किसी ने सुरक्षा, एनीबडी वाज सेफ ऑल थ्रू द वीक, एनीबडी हियर? या सो जस्ट थैंक गॉड कि प्रभु धन्यवाद कि आपने मुझे सुरक्षित रखा, आपने मुझे बचा कर रखा. आमेन. सबके घर में खाना था पूरे वीक में? या या सो वी जस्ट नीड टू थैंक गॉड. कितने लोग अपने पैर लेकर आए जो चल रहे हैं, यू नो वी आर एबल टू वॉक. या सो वी नीड टू थैंक गॉड. पैर हिलाइए और कहिए या थैंक यू लॉर्ड, माय लेग्स आर वर्किंग, माय लेग्स आर वर्किंग. कितने सारे लोग पिछले सप्ताह पैर खो दिया, कितने लोगों का एक्सीडेंट हो गया, कितने लोग यू नो सो मच हैपेंड ओवर द वीक. लेकिन गॉड वॉज गुड टू अस, यू नो वी आर एबल टू स्टैंड, वी आर एबल टू वॉक. पड़ोसी के पैर को ऐसा थोड़ा सा पैर लगाइए और कहिए आई एम सो ग्लैड माई लेग्स आर वर्किंग, आई एम सो ग्लैड माई लेग्स आर वर्किंग. ऑलराइट, आमेन. एंड आवर हैंड्स आर वर्किंग. ऑलराइट, सो जब हम आराधना करते हैं वी कैन यूज आर, वी कैन क्लैप. हाउ मेनी ऑफ यू कैन क्लैप? यू नो आप लोग सब म्यूजिक बजा सकते हैं, लेकिन हमारे मिक्सर में खाली 16 चैनल ही है. उसमें से कुछ चैनल्स वो माइक के लिए है और कुछ चैनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए है. लेकिन आपके पास भी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है या 10 तारों वाला, या 10 तारों वाला वाद्य यंत्र. तारों पे ताले नहीं, ऐसा कही है. मेरे तारों पे ताले नहीं है. मेरे ताले बच सकते हैं. आमेन. Praise the Lord. So let's pray. आए हम प्रार्थना करें and let's submit our lives to God. इस समय परमेश्वर की आत्मा को, प्रभु की हुजूरी को हम मांगेंगे. प्रभु का वचन कहता है हालेलुया, जहां दो या तीन मेरे नाम में जहां कहीं भी इकट्ठे होते हैं मैं उनके बीच में हूँ. और हम यीशु की आराधना करते हैं जो मुर्दों में से जी उठा. हालेलुया, जो किसकी कब्र में कैद नहीं है, जो जिसे किसी कहीं गाड़ा नहीं गया है, जहां पर उसकी अस्थियां कहीं पर गड़ी हुई नहीं है, उसकी कहानी हालेलुया कहीं पर ख़त्म नहीं हो गया है. वो अनादिकाल से अनादिकाल तक परमेश्वर है. वो अनंतता से अनंतता तक राज करने वाला खुदा है. हालेलुया, और वो हमारे बीच में है. आइए हम प्रार्थना करें. प्रभु जी धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए आपकी, आपने हमें दिया प्रभु हमारे प्रियजनों के साथ. हालेलुया, आज सुबह प्रभु हम आपके इस भवन में आए हैं और प्रभु हम आपके नाम में इकट्ठे हुए. हमारा यहाँ आने का एक ही मकसद है कि प्रभु हम आपको जानें, हम आपको आप हमें छुए, क्योंकि हमें आपकी ज़रूरत है. हालेलुया, वी नीड योर टच लॉर्ड दिस मॉर्निंग. आपका स्पर्श मुर्दों को जिलाता है, आपका स्पर्श अंधों को रोशनी देता है, आपका स्पर्श हालेलुया टूटे दिलों को बांधता है, आपका स्पर्श हालेलुया हर टूटे दिल को प्रभु हालेलुया जोड़ता है, सामर्थ देता है आपका स्पर्श. आपका स्पर्श हालेलुया हमें ताकत देती है. प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं कि आज सुबह आपके वचन के द्वारा और आपके स्पर्श से, आपकी उपस्थिति से प्रभु आप हमें आशीषित करना और प्रभु आप हमसे बात करना. हम अपने आप को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं. हमारे पापों को क्षमा करना, जो भेंट हम लेकर आए हैं, जो तोहफे हम आपके सामने लेकर आए हैं प्रभु जी, वो ये सूचक है कि आप हमारे लिए कितने भले हैं, आप कितने अच्छे हो, आपने हमारी कितनी सुरक्षा की, आपने हमसे कैसा प्यार किया. प्रभु जी धन्यवाद. और प्रभु उस धन्यवाद से भरे हुए दिल के साथ हम आपकी आराधना करना चाहते हैं. हमारे आवाज़ को, हमारे इस जगह को, हमारे प्रियजन जो रास्ते में हैं उन्हें सबको प्रभु आप सुरक्षित लेकर आना. हालेलुया, इस जगह पर आपकी महिमा खुदावंत होने पाए. आदर और महिमा आपको और आपको मिले. इस जगह के ऊपर हम स्वर्ग को खोलते हैं. स्वर्गदूत आए जाए प्रभु, आपका हित इस जगह पर पूरा हो जैसा स्वर्ग में है से पृथ्वी पर. हालेलुया, आज सुबह हमारे बीच में आपका हित पूरा हो. हालेलुया, यीशु के नाम से मांगते हैं. आमेन. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हम कहाँ है, जेम्स का है? हाँ, ओके. या वी आर गोइंग टू सिंग दिस सॉन्ग. यू नो जो एक पुराना कोरस है हम लोग सब अच्छी तरह से जानते हैं. वी गोइंग टू स्टार्ट विद दिस. कहता है हालेलुया स्तुति करेंगे. हालेलुया का अर्थ है परमेश्वर की महिमा. गॉड बी ग्लोरिफाइड. हालेलुया. हालेलुया स्तुति करेंगे
यीशु की स्तुति करेंगे, हालेलुया स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, क्रूस पर जीवन दिया और रक्त भी बहाया, क्रूस पर जीवन दिया और रक्त भी बहाया, पाप को मिटा के पवित्र करके तुझे दिया है, पाप को मिटा के पवित्र करके तुझे दिया है, हालेलुया स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे, हालेलुया स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, सदा मैं स्तुति करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा, पवित्र आत्मा से भरपूर होकर तेरे लिए जीऊंगा, पवित्र आत्मा से भरपूर होकर तेरे लिए जीऊंगा, हालेलुया स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे, हालेलुया स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ, यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ, आशीष देगा साथ अपने लेगा कभी नहीं छोड़ेगा, आशीष देगा साथ अपने लेगा कभी नहीं छोड़ेगा, हालेलुया स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे, हालेलुया स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, क्रूस पर जीवन दिया और रक्त भी बहाया, 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 पाप को मिटा के पवित्र करके तुझे दिया है, पाप को मिटा के पवित्र करके तुझे दिया है, हालेलुया स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे, ओ हालेलुया स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, सदा मैं स्तुति करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा
और सदा तुझे याद करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा, और सदा तुझे याद करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा, और सदा तुझे याद करूंगा। पवित्र आत्मा से भरपूर होकर मेरे जीना, पवित्र आत्मा से भरपूर होकर मेरे जीना, हो हालेलुया स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे, ओ हालेलुया स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे, हालेलुया 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 और उसकी सेनाएं झुकेंगे टूटेंगे उस दुष्ट की योजनाएं, हारेंगे भागेंगे शैतान और उसकी सेनाएं, झुकेंगे टूटेंगे उस दुष्ट की योजनाएं, हारेंगे भागेंगे शैतान और सेनाए तू ही सर्वशक्तिमान प्रभु, किसान कोई कहीं गाऊं चिल्ला कर मैं अब यही, अनंत तेरी स्तुति, तू ही सर्वशक्तिमान प्रभु, किसान कोई कहीं गाऊं पूरे दिल से यही, यीशु हो तेरी स्तुति, तू ही सर्वशक्तिमान प्रभु, कुसन कोई कहीं गाऊं शिला कर मैं अब ये, अनंत तेरी स्तुति, तू ही सर्वशक्तिमान प्रभु, कुसन कोई कहीं गाऊं पूरे दिल से यही, यीशु हो तेरी स्तुति। हर तत्परता जिसे ऊंचा, बादशाहों का तू ही बादशाह, अनंतता से अनंतता यहोवा वो सबसे महान, हर तत्परता जिसे ऊंचा, बादशाहों का तू ही बादशाह, अनंतता से अनंतता यहोवा वो सबसे महान, हर तत्परता जिसे ऊंचा, बादशाहों का तू ही बादशाह, अनंतता से अनंतता यीशु वो सबसे महान, तू ही सर्वशक्तिमान प्रभु, तुसा कोई कहीं गाऊं चिल्ला कर मैं अब यही, अनंत तेरी स्तुति, तू ही सर्वशक्तिमान प्रभु, तुसा कोई कहीं गाऊं पूरे दिल से यही, यीशु हो तेरी स्तुति। ते जो मैं तू ही खुदा है, महिमा तेरा लिबास है, सूरज भी फीका लगे तेरे तेज के सामने,
तेजो मैं तू ही खुदा है, महिमा तेरा लिबास है, सूरज भी पिघल गए तेरे तेज के सामने। तेजो मैं तू ही खुदा है, महिमा तेरा लिबास है, सूरज भी पिघल गए तेरे तेज के सामने। तू ही सर्वशक्तिमान प्रभु, दूसरा कोई कहीं, गाऊं चिल्ला कर मैं हुए अनंत तेरी स्तुति। तू ही सर्वशक्तिमान प्रभु, दूसरा कोई कहीं, गाऊं पुनर से यही यीशु हो तेरी स्तुति। तू ही सर्वशक्तिमान प्रभु, सर कोई कहीं, गाऊं तू ही सर्वशक्तिमान प्रभु, सर कोई कहीं, तेरे दिल से ये रवम भरा सामर्थ्य। तू ही खुदा, तेरे शब्दों ने सृष्टि रची, तू भस्म करे वो आग भी, तू ही शैतान का खौफ भी। सामर्थ्य तू ही खुदा है, तेरे शब्दों ने सृष्टि रची, तू भस्म करे वो आग भी, तू ही शैतान का जोर हो। सामर्थ्य तू ही खुदा है, शब्दों ने भस्म करे वो आग है, तू ही शैतान का खौफ भी। सामर्थ्य तू ही खुदा है, तेरे शब्दों ने ओ भस्म करे वो आग भी, तू ही शैतान का खौफ भी। तू ही सर्वशक्तिमान प्रभु, कुसर कोई कहीं, गाऊं अनंत तेरी स्तुति। तू ही सर्वशक्तिमान प्रभु, कुसर कोई कहीं, गाऊं दिल से तेरी स्तुति। तू ही सर्वशक्तिमान प्रभु, सर कोई कहीं, गाऊं यीशु तेरी स्तुति। तू ही सर्वशक्तिमान प्रभु, सर कोई कहीं, गाऊं पूरे दिल से यही यीशु तेरी स्तुति। झुकेंगे टूटेंगे उस दुष्ट की योजनाएं, हारेंगे भागेंगे शैतान और उसकी सेनाएं। झुकेंगे टूटेंगे उस दुष्ट की योजनाएं, हारेंगे भागेंगे शैतान और उसकी सेनाएं। झुकेंगे टूटेंगे उस दुष्ट की योजनाएं, हारेंगे भागेंगे शैतान और उसकी सेनाएं। झुकेंगे उस दुष्ट की योजनाएं, हारेंगे भागेंगे शैतान और उसकी सेनाएं। शक्तिमान प्रभु हमारा, इंसान कोई कहीं, गाऊं
अपने हाथ को उठाएं, महिमा दे परमेश्वर को इस समय। तू ही सर्वशक्तिमान प्रभु, तुझसा न कोई कहीं और कोई नहीं है यीशु के अलावा, और कोई नहीं है यीशु के जैसा। अपने मुख को खोले आज सुबह। ओह जीसस, तू सामर्थी है, सर्वशक्तिमान। हालेलुया, तू सामर्थी है हमें आग से निकालने के लिए, तू सामर्थी है सिंह का मुंह बंद करने के लिए, तू सामर्थी है लाल समुद्र के बीच में रास्ता बनाने के लिए, तू सामर्थी है यरीहो की दीवारों को गिराने के लिए, तू सामर्थी है बंधनों को खोलने के लिए, तू सामर्थी है जीवन को देने के लिए, तो सामर्थ्य है शून्य से सब कुछ बनाने के लिए। आज सुबह हम मिलकर ये कहते हैं, यीशु तू सामर्थ्य है हमारे जीवन के लिए, तू सामर्थ्य है हमारे जीवन के लिए, तू सामर्थ्य है हमारे जीवन के लिए, हमें और कोई नहीं चाहिए प्रभु। हालेलुया, परमेश्वर तेरा वचन कहता है किसी को घोड़ों पर किसी को रथों पर, लेकिन प्रभु आज सुबह हम कहते हैं हमारा भरोसा केवल यीशु है। आज सुबह हम मिलकर ये कहते हैं हमारा भरोसा केवल यीशु है, क्योंकि वही है जो सामर्थी है, वही है जो छुड़ाता है। आज सुबह उस छुड़ाने वाले परमेश्वर को महिमा दें। आज सुबह दिल से कहें, परमेश्वर मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ तू मुझे छुड़ाने वाला है। मुखोलिए मुखोलिए, ताली बजाइए, आज सुबह महिमा दीजिए परमेश्वर को, क्योंकि वो योग्य है, सामर्थ्य है। आज सुबह वो हमारे जीवनों में कुछ बातों को करने जा रहा है। हालेलुया, अनुभव करना, क्योंकि वो हमारे बीच में है, और जब वो हमारे बीच में होता है, मैं आपसे सच कहता हूँ, वो स्त्री जो लहू बहाने के बीमारी से है, उसने अपने हाथों को बढ़ाकर उसके वस्त्र को छुआ और वो चंगी हो गई। आज यीशु हमारे बीच में है, आप अपने हाथ को बढ़ा सकते हैं। हालेलुया, जब यीशु हालेलुया जक्कई के घर पहुंचा, जक्कई खड़ा हुआ और कहता है मैं अपने जीवन को बदलना चाहता हूँ। परमेश्वर हमारे बीच में है, आज कुछ जीवन बदलने वाले हैं। हालेलुया, जब वो यीशु उस फरीसी के घर में था, वो पापी स्त्री आई, उसने अपनी सेवा टहल को किया, यीशु ने उसके जीवन को बदला। पत्थरवाह कर रहे लोगों के बीच में यीशु पहुंचा, उस स्त्री के साथ में खड़ा हुआ, उस स्त्री से कहा जब इन्होंने न्याय नहीं किया मैं भी तेरा न्याय नहीं करता। आज सुबह यीशु हमारे बीच में है, आप क्या चाहते हैं? एक बड़ी भीड़ के बीच में यीशु था, वो थक कर गिर न जाए। अपने चेलों को यीशु कहता है ये रास्ते में थक कर गिर न जाए, इसलिए इन्हें कुछ देना। आज सुबह अगर आप थके हैं, यीशु आपको ऐसे ही जाने नहीं देगा। हालेलुया, आप थक कर आए हैं, आप टूट कर आए हैं, आपके जीवन के लिए वो आशीषों को देगा, आपकी आत्मा के लिए वो आशीषों को देगा, आपके परिवार के लिए वो आशीषों को देगा। अपने हाथ को उठाकर स्तुति कीजिए, स्तुति कीजिए। आवाज कम नहीं होना चाहिए, बढ़ते जाना चाहिए। हालातों को देखकर स्तुति मत करना, परमेश्वर को देखकर स्तुति करना। आज सुबह हालातों को देखकर स्तुति मत करना, परमेश्वर को देखकर स्तुति करना। आज जेब को देखकर स्तुति मत करना, परमेश्वर के स्वर्गीय धन को देखकर स्तुति करना। सामर्थ्य तू ही खुदा, तेरे शब्दों ने सृष्टि रची, तू भस्म करे वो आग भी, तू ही शैतान का खौफ भी। सामर्थ्य तू ही खुदा, तेरे शब्दों ने भस्म करे वो आग। आवाज बढ़ाकर
वॉल्यूम को बढ़ाइए मिलकर। सामर्थ्य तू ही खुदा, तेरे शब्दों ने तू भस्म करे वो आग भी मिलकर। ओ सामर्थ्य तू ही खुदा, तेरे शब्दों ने सृष्टि रची तू भस्म करे वो आग भी, तू ही शैतान का खौफ भी मिलकर। सामर्थ्य तू ही खुदा है तेरे भस्म करे वो आग भी, तू ही शैतान का खौफ। एक बार वो सामर्थ्य तू ही खुदा है पूरा वंशदा। एक बार कलीसिया आवाज उठाकर सामर्थ्य ओ सामर्थ्य तू ही खुदा, तेरे शब्दों ने सृष्टि रची भस्म करे वो आग भी, तू ही शैतान का खौफ भी, तू ही सर्वशक्तिमान प्रभु, तू सब को ही कहीं गाऊं आनंद तेरी स्तुति, तू ही सर्वशक्तिमान प्रभु, तू सब को ही कहीं गाऊं पूरे दिल से यीशु हो तेरी स्तुति, तू ही सर्वशक्तिमान प्रभु, तू सब कोई कहीं गाऊं पूरे दिल से यीशु हो तेरी स्तुति। अब तक तो ताज से ऊंचा बादशाहों का, अनंतता से अनंतता हर तक स्वर्ताज से बादशाह का, तू ही बादशाह अनंतता से अनंतता, यीशु वो सबसे महान। हर तक स्वर्ताज से ऊंचा अनंतता से अनंतता, यहोवा वो सबसे महान। हर प्रकार से ऊंचा बादशाहों का, तू ही बादशाह अनंतता से अनंतता, यहोवा वो सबसे महान। सदा मैं स्तुति करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा। पवित्र आत्मा से भरपूर होकर तेरे लिए जीऊंगा, पवित्र आत्मा से भरपूर होकर तेरे लिए जीऊंगा। हालेलुया स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे, ओ हालेलुया पूरा वंशधारा। हालेलुया 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 हालेलुया। क्रूस पर जीवन दिया और रक्त भी बहाया, क्रूस पर जीवन दिया और रक्त भी बहाया, पापों को मिटा के पवित्र करके
मुक्ति भी दिया है। गाइए मेरे साथ हाथों को उठाकर, पापों को मिटा के पवित्र करके मुक्ति भी दिया है। एक बार गाएंगे क्रूस पर, क्रूस पर जीवन दिया और रक्त भी बहाया, क्रूस पर जीवन दिया और रक्त भी बहाया, पापों को मिटा के पवित्र करके मुक्ति भी दिया है, पापों को मिटा के पवित्र करके मुक्ति भी दिया है। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, तुझे ढूंढता, ओ तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, चल मुझे तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे, हाथ उठा कर मिलकर, ले चल मुझे, ओ तू है जहां, मैं तेरे पास आता हूँ पवित्र दिल से, आराधना मैं करता हूँ प्रेमी मन से, मैं तेरे पास आता ढूंढता हूँ।
चल रही है उनको साइड में कर आज सुबह परमेश्वर से कहें, परमेश्वर मैं तेरी महिमा को देखना चाहता हूं। हालेलुया। मैं सच कहता हूं, अगर आज हमने उसकी महिमा को देख लिया तो सारी बातें जो हमें परेशान करती हैं, सारी बातें जो हमें गिराती हैं, वो सब धुंधली हो जाएंगी। हालेलुया। मूसा ने कहा, प्रभु मुझे तेरा तेज देखना है। हालेलुया। तू मुझसे बात करता है, तू मेरी अगुवाई करता है, तू मुझे दर्शन देता है। हालेलुया। लेकिन प्रभु मैं तेरे तेज को देखना चाहता हूँ। हालेलुया। दाऊद कहता, मेरी एक ही आशा है, हालेलुया, कि मैं निरंतर उसके भवन में रहूं। हालेलुया। एक राजा कहता है, मुझे यहोवा के भवन का संतरी बना दो, मैं द्वारपाल बनकर खड़ा रहूंगा, क्योंकि मैं परमेश्वर के भवन के नजदीक रहना चाहता हूँ।
नए नियम के विश्वासियों, परमेश्वर का वचन कहता है, जान लो तुम्हारा दिल पवित्र आत्मा का मंदिर है। जब परमेश्वर पुराने नियम में हाले तंबू में था, आज वह परमेश्वर मेरे और आपके अंदर है। आज अंदर को झांकिए, अपने अंदर को देखिए, और परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। आंधी तूफानों को न देखो, यीशु की ओर देखो। पवित्र आत्मा से आज सुबह कहे, उसके हाथ को पकड़कर। आप लोग तैयार हैं? हम आखिरी बार गाने जा रहे हैं। विश्वास से पवित्र आत्मा से कहना, मुझे लेकर चल। हालेलुया। मैं हमेशा कहता हूं, नजरिया बदलिए, नजारा अपने आप बदल जाएगा। हालेलुया। नजरिया बदलिए, नजारा अपने आप बदल जाएगा। आज सुबह मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपने विश्वास को देखिए, चमत्कार अपने आप होने लगेंगे। हालेलुया। अपने मुंह से विश्वास के शब्दों को बोलने लगिए, चमत्कार आप वो आप होने लगेगा। हालेलुया। उसके लिए और कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए पुकारने की जरूरत है, जैसे बर्तिमाई ने पुकारा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। उस पर दया हुई। कोड़ी ने पुकारा, कहा यीशु हमें सब जगह से निकाल दिया, हमारे घर वालों ने निकाल दिया, हमारे शहर वालों ने निकाल दिया। हालेलुया। हम जब जाते हैं तो हमें कहना पड़ता है, अशुद्ध हूं मैं, अशुद्ध हूं, मुझसे दूर रहो। और वो कोड़ी कहता है, यीशु जिनसे सब दूर भागना चाहते हैं, यीशु उस कोड़ी को छू कर चंगा करता है। आज कुछ बात असंभव नहीं है। अपने विश्वास को बढ़ाइए। आज सुबह पवित्र आत्मा से कहिए, परमेश्वर मुझे लेकर चल। कितने लोग उसके हाथों में थामेंगे विश्वास को। हालेलुया। जैसे एक पिता के हाथों में थाम कर एक बच्चा चलता है, वैसे ही हालेलुया, आज क्यों ना हम पवित्र आत्मा के हाथों को थामें और उसके साथ उस सिंहासन के पास चलें, जिस सिंहासन के बारे में पौलुस कहता है। हालेलुया। हियाव से उस सिंहासन के सामने हम जा सकते हैं। हालेलुया। और उससे आप और पिता कह सकते हैं, और हमारी विनतियों को हम उसके सामने रख सकते हैं, उस सिंहासन के सामने। कितने लोग मेरे साथ चलने को तैयार हैं? अपने हाथों को उठाइए और विश्वास से पवित्र आत्मा के हाथों को पकड़िए और चलिए उसके साथ। चल मुझे ले चल, मुझे गाइए बाबा शंकर। चल मुझे चल, मुझे तू है जहां, तेरे सिंहासन के पास मैं तेरे पास आता हूँ पवित्र दिल से, आराधना मैं करता हूँ प्रेमी से, मैं तेरे पास दिल से।
तुझे खींचे देखूं तेरी महिमा ये ही है मेरी आशा रह पाऊं तेरे मंदिर में ये ही है मेरी अभिलाषा देखूं तेरी शदा रदनारवा
शंदर दारे गदर विभाषा दुरा बरा दुरा शदा रिदलार दारी गंदुरा शदना रदा रिदार दा थाली बजा कर थाली बजा कर आत्मा में होकर स्तुति करते रहे स्तुति करते रहे पवित्र आत्मा तेरे सामर्थ्य शखम दुना ओ रखम दुरा बारी गादा ना राधा री दबा शादा नी गम दुंदी बारा नी बना दा नी दाला शखम दुरा दारी दबा रबर बशर तेरे सिंहासन के पास तुझे हम कहते हैं यीशु तेरा नाम उषगदर बाबा स्तुति कीजिए ना आपके पास शब्द नहीं है क्या मुंह खोलिए आज सुबह दो मिनट मुंह खोलिए आप बोलना शुरू कीजिए आप यीशु से कितना प्यार करते हैं धन्यवाद कीजिए दो मिनट कम ऑन हालेलुया कुछ गीतों को गाइए आप नए गीतों को जो परमेश्वर आपकी जुबान पर रखता है दो मिनट कलीसिया मिलकर आवाज को उठाकर स्तुति कीजिए भूरवं चं दुरगदिवा दुरगदिवा शुगदेरदवनदरीर्वा भूरवं दराशदारिगा लवनदरीदाशदारवनदरवा भूरगदरीदारवा येशु योग्य है आराधना के स्तुति के योग्य है तू ही योग्य है सारी महिमा के यीशु तू योग्य तू ही योग्य है सारी महिमा के योग्य है तू योग्य है तू ही योग्य है आराधना के योग्य है तू योग्य है तू ही योग्य है सारी महिमा के तू योग्य है तू योग्य है तू योग्य है आराधना के तू योग्य है तू योग्य है गए मेरे साथ ओ तू योग्य है आराधना के आराधना के तू योग्य है तू योग्य है तू योग्य है सारी महिमा के योग्य है तू योग्य है तू योग्य है मेरी स्तुति के तू योग्य है योग्य है तू योग्य है तू योग्य है आराधना के तू योग्य है तू योग्य है तू योग्य है सारी महिमा के सारे महिमा के तू योग्य है तू योग्य है तू योग्य है तू योग्य है मेरी स्तुति के
योग्य प्रभु मिलकर तू ही है, तू ही है आदर के योग्य प्रभु। परमेश्वर पिता हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि तू ही योग्य है हमारे जीवन के हर एक पल में जो तू हमें थामता है। जब हम उन बातों को याद करते हैं प्रभु मदद करता कि हम चुप न रहें। और दाऊद जिस तरह खुद को प्रोत्साहित करता सुबह, हम भी अपने अंदर खुद से कहना चाहते हैं, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। बोलिए मेरे साथ मिलकर, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। हालेलुया। परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं तेरे सारे उपकारों के लिए, तेरी दया के लिए। करोड़ों में प्रभु तूने हमें देखा, तूने हमें बुलाया, तूने अपना नाम दिया, तूने हमें उद्धार दिया और उस राज्य का अधिकारी बनाया। इसीलिए नहीं क्योंकि हम लायक थे, पर इसीलिए कि तूने हम पर दया किया, तूने हमसे प्रेम किया, तेरे उस प्रेम के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आज सुबह परमेश्वर मदद कर ताकि हम आपको महिमा दे सके, जिस महिमा के आप योग्य हैं। धुंधले विचारों को, सोच को दूर कर, पवित्र आत्मा तेरे सामर्थ्य से, तेरे अनुग्रह से, तेरी दया से हमें भर, ताकि हमारी नजरें देखने लगे, विश्वास की नजरों को खोल दे प्रभु, ताकि हम उस बड़े सैन्य को देख सकें जो तूने हमारे चारों ओर लगाया है प्रभु, उन प्रोविजंस को देख सकें जो आपने हमारे लिए रखा है। आज सुबह तेरे वचन को थाम कर, तुझ पर आसरा रखकर हम अपने आप को सौंपते हैं आगे की सभा में। प्रभु हम तेरी उपस्थिति को चाहते हैं, हम चाहते हैं तू हमसे बात करें, जिस प्रकार तूने सैमुएल से उस रात को बात किया प्रभु। वो दिन था, उसके बाद उसका जीवन बदल गया। एक बालक उस रात को आवाज सुनता है और वो इज़राइल का सबसे बड़ा भविष्यवक्ता बनता है। आज हम जो वचन सुनेंगे प्रभु, हमारे अस्तित्व को बदलने वाले वचन हमारे जीवन तक पहुंचे प्रभु। जिस प्रकार आज्ञाकारिता से सैमुएल ने कहा, बोल यहोवा तेरा दास सुनता है, आज उसी आज्ञाकारिता से तेरे शब्द को सुनने के लिए हमारे कानों को खोलना, हमारे दिलों को तैयार करना, किचन में, देनदारी में, कमी में, दर्द के बातों में, दुख की बातों को सोचकर बैठने वाले हर एक को प्रभु अब चंगाई देना और वो तेरी ओर देखने पाए आज सुबह। क्योंकि परमेश्वर रात बहुत गहरी है और अच्छा नींद का समय है, आवाज को सुने बिना वो सो भी सकता है, बिना जवाब दिए, बिना प्रतिक्रिया दिए वो वहां पर रह भी सकता है। लेकिन आज रात को पवित्र आत्मा आप हमारे जीवन को बदलिए, प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार कीजिए, सुनने के लिए कानों को खोलिए, उसे स्वीकार करने के लिए हमारे दिलों को तैयार कीजिए। कांटों में, झाड़ियों में, पत्थरों के बीच में नहीं, अच्छी भूमि पर वचन गिरने पाए। आप ऐसा कर रहे हैं इसके लिए धन्यवाद। आदर और मान और महिमा सब आपको हम देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कीजिए प्रेमी पिता, आमेन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। धीरे से अपनी कुर्सियों को उठाइए, आपके आसपास जो खड़े उनसे हाथ मिलाइए, उनको देखकर मुस्कुराइए, आशीष दे ऐसा कहिए। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।
प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। प्रेज़ द लॉर्ड। सॉरी, एक और बार आपका सबका स्वागत है। वंस अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू। पड़ोसी को देखिए, हाथ मिलाइए एंड से वी वेलकम यू अगेन। थैंक यू। वी हैव जॉयलियंस फ्रेंड, आई फॉरगॉट योर नेम बेटा, व्हाट्स योर नेम? श्रेया, श्रेया एंड हर मॉम इज हियर, राइट। आप दोनों का स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। एनीबडी एल्स फर्स्ट टाइम? नहीं, ओके ग्रेट। आज सुबह परमेश्वर के भवन में आप सबका स्वागत है। वेकेशन है तो कुछ लोग घूमने गए, कुछ लोग छुट्टियां मना रहे हैं, बट आई थैंक गॉड, परमेश्वर, गॉड डजंट टेक अ वेकेशन, इज ऑलवेज विद अस और ही लाइक्स अस टू टेक वेकेशन। परमेश्वर चाहता है कि हम यू नो हम ब्रेक ले, यू नो दैट्स व्हाई ओके प्रभु चाहता है कि हम विश्राम करें। इसीलिए जब हम उत्पत्ति का कहानी पढ़ते हैं, जब परमेश्वर ने यू नो व्हेन ही स्टार्टेड टू मेक, व्हेन ही स्टार्टेड टू डू द क्रिएशन वर्क, वहां पर हम पढ़ते हैं कि देन आखिर में उसने क्या किया? हाँ, ही डिक्लेयर्ड अ डे ऑफ रेस्ट। ही डिक्लेयर्ड अ डे ऑफ रेस्ट क्योंकि हम सबको आराम की जरूरत है। हम सबको किसकी जरूरत है? आराम की जरूरत है। परमेश्वर हम सबको आराम देना चाहता है। ही वॉन्ट्स अस टू टेक अ ब्रेक, ही वॉन्ट्स अस टू रेस्ट, ही वॉन्ट्स अस टू चार्ज अस, और इसलिए इट्स गुड। हालेलुया, आमेन। आज जो है, आज क्योंकि प्रभु भोज है, यू नो टुडे वी हैव द लॉर्ड सपर विद अस। स्टार्टिंग फ्रॉम दिस मंथ, फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, ऑन संडेज वी आर गोइंग टू वर्क ऑन दिस थीम, क्रूश की गाथा। ओके, वी आर गोइंग टू वर्क ऑन दिस the story of the cross. क्रूश जो है वो बहुत सारी चीजों को शामिल करता है। I mean, like when God plans something, परमेश्वर किसी चीज का plan करता है, तो it is not going to be something that is just बहुत छोटा या you know बहुत मामूली सा, साधारण सा कुछ। God never does. Everything that he does, he has a great signature. उनके हर चीज में एक जबरदस्त चीजें अंदर हम पाते हैं। मामूली परमेश्वर नहीं बनाता। अपने पड़ोसी को देखकर कहो, आप मामूली नहीं हो। Alright, you're not common. You're not common. That's why आज जब हम प्रार्थना कर रहे थे, मेरे ख्याल से जेम्स भाई ने कहा कि प्रभु हजारों करोड़ों लोगों के बीच में आपने हमें चुना है। You've chosen us. So we are not common. You're not common. दुनिया हमें कॉमन बनाने की कोशिश करती है, आम खिला के हमें आम आदमी बनाने का कोशिश करता है, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि तू मेरी आंखों की, ओ या यू लाइक द एप्पल ऑफ माई आईज, तू मेरी आंखों की पुतली है, जो तुझे छूता है वो मुझे छूता है। सो दैट्स वॉट गॉड सेज, मैंने तुझे अपने हाथों पर क्या करके रखा है? मैंने तेरा नाम अपने हाथों पर खरोद कर रखा है। आई हैव रिटन योर नेम ऑन द पाम ऑफ माई हैंड्स, एंड दैट्स द लव दैट गॉड हैज फॉर अस। इस प्रकार का प्यार करने वाला आपका पड़ोसी है, उसके लिए हालेलुया कहिए। गॉड लव्स योर नेबर एज मच एज ही लव्स, कहिए, गॉड लव्स माई नेबर एज मच एज ही लव्स मी। सो दैट्स ग्रेट। परमेश्वर हम सबसे प्यार करता है, एंड दैट्स वाई स्टार्टिंग फ्रॉम एवरी संडे, एवरी फर्स्ट संडे, as we come to the Lord's Supper, we're going to work on this theme. हम इस विषय के ऊपर कार्य करेंगे, और आज का जो शीर्षक है इस कैसे क्रूश दर्द पर जीत दे सकता है। क्रूश, you know, when we talk about cross, cross is not something that is very easy.
क्रॉस इज नॉट समथिंग, हम जो पहनते हैं वो क्रूश नहीं है, या हम यू नो क्रूश जो है वो गॉड चोज दैट दैट इंसानों के द्वारा सबसे बुरा, थोड़ा सा और वॉल्यूम देना मुझे यहाँ पे, आप लोगों को सुनाई दे रहा है या बट आई हैव टू स्ट्रेस अ लॉट, इंसानों के द्वारा रचा गया, बनाया गया, डिस्कवर किया गया सबसे भयानक, सबसे दर्दनाक, सबसे क्रूर मौत का एक तरीका है, दर्द देने का एक तरीका है क्रूश, क्योंकि उस व्यक्ति को कीलों पर टंगाया जाता है, ही इज हंग ऑन थ्री नेल्स, तीन बड़े कीलों के ऊपर उसे लटकाया जाता है, एंड दैट इज द वर्स्ट, आज तक मनुष्य जाति ने जो सबसे घिनौना और सबसे बुरा तरीका अगर ढूंढा है किसी को मारने का, सो दैट इज क्रॉस, और वो सजा सबसे बुरे से बुरे गुनहगारों को दिया जाता है, ये सजा सबके लिए नहीं है, इट वॉज यू नो यीशु के पहले भी बहुत सारे लोगों को क्रूश पे चढ़ाया जाता था, क्योंकि रोमी साम्राज्य का ये चुनिंदा और बेहद पसंदीदा तरीका था, इट वॉज द फेवरेट वे of Roman government to show कि रोमी सरकार के खिलाफ अगर कोई भी आवाज उठाता है या कुछ ऐसा काम करता है जो उनके सरकार के खिलाफ है तो उसे क्रूश पर चढ़ाया जाएगा, तो क्रूश जो है वो एक खौफ का तरीका था. Before we get into the word, I just want you to, you know, there is a song and you know I just want you to meditate on that song. उस क्रूश को, क्रूश के और एक बार मैं चाहता हूं कि हम सब अपना ध्यान ले चले. अनुज विल प्ले द सॉन्ग. और आज सुबह जब हम प्रभु के मेज की तरफ आए, प्रभु का वचन कहता है कि मेरे स्मरण में ये किया करो, यू नो डू दिस इन रिमेम्बरेंस ऑफ मी. सो गॉड वांट्स अस टू रिमेम्बर, परमेश्वर चाहता है कि हम कुछ चीजों को याद रखें. और वो उस रात को, जिस रात को यीशु को पकड़वाया गया था, यू नो यीशु को क्रूश पर चढ़ाने के लिए ले जाया जा रहा था, उसके पहले यीशु ने कहा कि मुझे पकड़वाया जाएगा, मैं मारा जाऊंगा. यीशु ने कहा मैं अपना जान अनेक लोगों के जीवन के फिरौती के लिए देने आया हूं, आई हैव कम टू सेव पीपल. और उस रात को जब वो अपने शिष्यों के साथ खाना खा रहा था, ही ब्रोक द, उसने रोटी तोड़ा और उसने कहा ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए दिया जा रहा है, दिस इज माई बॉडी विच इज गिवन फॉर यू, एज ही ब्रोक द ब्रेड. सो जीसस न्यू एग्जैक्टली वो कैसे तोड़ा जाएगा, बट ये तोड़े जाने के पीछे या ये क्रूश के पीछे प्रभु परमेश्वर ने क्यों ये चुना, इस दर्दनाक सबसे इंसानों का, इंसानों के द्वारा सबसे घिनौना मौत का तरीका जो था, उसे क्यों प्रभु यीशु ने चुना, व्हाई डिड ही चूज टू डाई लाइक इट, बिकॉज ही वाज गॉड, वो परमेश्वर था, उसे अंत को शुरुआत से पता रखने वाला, ही नोज द एंड फ्रॉम द बिगिनिंग. लेकिन फिर क्यों यीशु ने ये सबसे, यू नो देर कुड बी सो मेनी डिफरेंट वेज टू डाई, जहर पी के मर जाओ, या यू नो लाइक देर कुड बी सो मेनी वेज टू डाई, बट वाई डिड जीसस चोज द क्रॉस. सो ये क्रूश के पीछे, यू नो देयर सो मच ऑफ, इतनी सारी बातें हैं, एंड आई एम एक्साइटेड दैट वी आर गोइंग टू डिस्कवर दैट. आई जस्ट वॉन्ट यू टू फोकस ऑन द क्रॉस फॉर अ मिनट एज वी, एज द सॉन्ग कम्स अप, ये जब गाना आएगा, जस्ट हैव अ लुक, और अपने मन में यू नो जस्ट अंडरस्टैंड ऑल दैट जीसस वेंट थ्रू. कैसा पिता का प्यार है, ना पाई से है ये अपार, इकलौता बेटा देकर है मुझ नीच का किया उदार. कैसा पिता का प्यार है, ना पाई से है ये अपार, इकलौता बेटा देकर है मुझ चुका किया उदार. कितना बड़ा वो दर्द था पिता जो फेरे, हर घाव जो ये शून्य सहा, लाया संतान महिमा के.
देखो उसे जो क्रूस पर कांधों पर उसके मेरा पाप लाज भरी मेरी आवाज तिरस्कारी दुष्टों के साथ जकड़े से था मेरा पाप जब तक हासिल ना हुआ बल या बुद्धि में करो सिर्फ यीशु के मृत्यु an easy scene. Why did Jesus, क्यों यीशु को ये सब कुछ होकर जाना पड़ा? And I just want you to take your, आपका ध्यान एक वचन की ओर ले जाना चाहता हूं. गलातियों की पत्री दूसरा अध्याय 20वां आयत. Galatians chapter 2 verses 20. हिंदी में पढ़कर मदद करेंगे. Galatians chapter 2 verses 20. यू नो, हाँ, ये जब वचन हम पढ़ते हैं, ये यीशु के एक शिष्य ने लिखा है, यू नो, जिसे यीशु के जीवन ने बदल दिया. और बाइबल के अंदर ये क्रूश का थीम भरा हुआ है. अगर आप बाइबल पढ़ोगे, यू विल अंडरस्टैंड द क्रॉस इज अ थीम दैट इज शुरुआत बाइबल के पहले पन्ने से बाइबल के एंड तक यू फाइंड द थीम ऑफ क्रॉस. क्रूश का वो जो थीम है, जो गाथा है, वो भरा हुआ है. अलग अलग तरीके से क्रूश को समझाया गया है. पुराने नियम में हम देखते हैं कि परमेश्वर इज़राइल को समझाने के लिए यू नो एक बलिदान स्थापित करता है, जहां पर किसी निष्कलंक मेमने को उसके सर पर हाथ रखकर यू नो सारे पाप अंगीकार कर उस मेमने को बलि चढ़ाया जाता है, ताकि इंसान जो पाप की भरपाई नहीं कर पाता है या इंसान जो पाप की सजा नहीं ले सकता, उस इंसान जिस इंसान ने पाप किया है और उसके ऊपर दंड है, वो दंड वो जानवर के ऊपर बोलता है और वो जानवर को मारा जाता है, और वो जानवर जो निष्कलंक था तड़प तड़प कर मरता है. और ये जो एक्सचेंज है, इट इज़ अ प्लेस, क्रॉस इज अ प्लेस ऑफ एक्सचेंज. सम अदर डे वी विल लुक एट इट. लेकिन गलातियों की पत्री 2:20 में जब हम आते हैं, यहाँ पर पौलुस इस तरह कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूश पर चढ़ाया गया हूं. जिंदा जीने वाला एक व्यक्ति ये कहता है कि मैं मसीह के साथ क्रूश पर चढ़ाया गया हूं. हाउ कैन इट बी पॉसिबल? ऐसे कैसे हो सकता है कि somebody says, कोई ऐसा कहता है कि मैं मसीह के साथ क्रूश पर, हेलो, कोई ऐसा मौत चाहता है? कोई इस तरह से क्रूश पर चढ़ना चाहता है? वाई
यू नो, जब ये सवाल हम सोचते हैं कि ये वो ये नहीं कह रहा कि मैं चढ़ाया जाऊंगा, मैं चढ़ने वाला हूं। ये जो शिष्य है वो कहता है मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। इट्स पास्ट टेंस, मैं चढ़ाया गया हूं। तो उसका मतलब है उसने चुना, ये इंसान जो लिख रहा है पॉलुस, वो ये कह रहा है कि ही चोज पेन एंड सफरिंग, उसने दर्द और ये इस प्रकार का क्रूश का मौत, क्रूश जिस जिस चीज को दर्शाता है, क्रूश का सबसे बड़ा पहला दृश्य क्या है, क्रूश का इस पेन दर्द, जब आप देखते हैं आपको ऐसा दर्द दिखाई देता है, आपको कष्ट अनुभव होता है। और पॉलुस कहता है कि आई हैव बीन क्रूसीफाइड विद क्राइस्ट, चढ़ाया गया हूं क्रूश पर। ऐसा क्या है क्रूश में कि आप उसे पसंद करते हो? ऐसा क्या है क्रूश में कि आप चाहते हो कि आप क्रूश पर चढ़ाए जाओ? क्या कभी आपके मन में ऐसा हुआ कि या आई जस्ट वॉन्ट टू हैव इट, मैं क्रूश पर चढ़ जाऊं? या अच्छा खाना देखते तो हमको ऐसा लगता है कि वाह अगर मिल जाए तो अच्छा है, अच्छा ड्रेस देखते तो या ये मुझे चाहिए, अच्छी गाड़ी हाँ ये गाड़ी तो चाहिए, अच्छा फोन वाह दैट फोन आई वॉन्ट, अच्छा मॉडल है। बट हैव यू एवर सेड, क्या कभी हमने ऐसा कहा है कि या आई वॉन्ट टू बी क्रूसीफाइड? एंड दैट्स अमेजिंग हाउ समबडी कैन से लाइक दिस। ये हमारे मनों को मनों में समझ ना आए ऐसी बात है कि मैं क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, आई हैव बीन क्रूसीफाइड, अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। अब मैं जीवित, आई एम नो लॉन्गर अलाइव बट क्राइस्ट लिव्स इन मी। यू नो पॉलुस के बारे में व्हाट आई वांट टू शो यू कि ये जो कहने वाला यू नो ये जो व्यक्ति है, एक मिनट कम टू द वर्स अगेन, लेट्स जस्ट रीड द वर्ड। मसीह मुझ में जीवित है और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं, मैं जो अब जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है जिसने मुझसे प्रेम किया। गॉड लव मी, आई लिव बाय फेथ ऑफ द सन ऑफ गॉड हु लव मी। क्रूस पे चढ़ने के लिए एक चीज चाहिए, पड़ोसी को देखकर कहो विश्वास। इफ यू डोंट हैव फेथ यू कैन नेवर गो टू द क्रॉस। जीसस वेंट ऑन द क्रॉस, यीशु क्रूस पर गया बिकॉज ही हैड फेथ। किस पर विश्वास था? वो वादे पर, पिता परमेश्वर का वादा, इफ यू डाई आई विल रेज यू अप ऑन द थर्ड डे। वो कहता है कि अब मैं जो जीवित हूं वो परमेश्वर के पुत्र पर जिसने मुझसे प्रेम किया है। वो जो विश्वास है वो उसका आधार प्रेम है। ये विश्वास परमेश्वर पर ऐसा वैसा नहीं है, इट इज बिकॉज ऑफ लव। मतलब आपसे कोई प्यार इतना करता हो और वो आपसे जब कहता है कुछ, इवन इफ इट इज पेनफुल यू टेक इट अप बिकॉज यू नो, आपको पता है कि ये इंसान मुझसे इतना प्यार करता है, इवन इफ इट इज पेनफुल फॉर मी यू विल बी रेडी टू टेक इट अप। आप मेरे साथ हो, लाइक योर कोच, आपका कोच जो है वो आपको एक्सरसाइज करवाता है, आपको वर्कआउट करवाता है, वो आपको फिजिकल दर्द में से ले जाता है। बट बिकॉज यू इफ यू डोंट ट्रस्ट द कोच, अगर आप उस कोच के ऊपर भरोसा नहीं करोगे, पहली बार में आप बोलोगे क्या पैर तोड़ रहा है, क्या हाथ तोड़ रहा है, क्या, एंड यू जस्ट वॉन्ट टू रन अवे। बट इफ यू ट्रस्ट द कोच कि ये कोच के पास मैं इसके ऊपर मैं भरोसा कर सकता हूं कि ये जो मैं नहीं देख पा रहा हूं वो भलाई ये देख पा रहा है, आई एम ऑल राइट टू सफर। मेरे साथ हो आप? इट इज ओनली बेस्ड ऑन, अगर आप उस प्यार की गहराई को नहीं समझोगे। और पॉलुस कहता है कि आई एम क्रूसीफाइड, मैं चढ़ चुका हूं क्रूस पर, बिकॉज देयर इज लव, क्योंकि वो प्यार है जो ईंधन है मेरे विश्वास का, जो मुझे उस क्रूस पर चढ़ने के लिए तैयार कर दिया। हेलो, यीशु ने कहा अगर आप मेरे शिष्य बनना चाहते हो, इफ यू वांट टू बी माय डिसाइपल टेक अप योर क्रॉस, अपना क्रूश उठाओ। यीशु का जो इनविटेशन है, द इनविटेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट इज नॉट व्हाट एनी सिनर वुड लाइक। कोई भी पापी पसंद करे ऐसे चीजों के लिए न्योता नहीं है। हम पापियों को क्या चाहिए? हाँ, फेम, पॉपुलैरिटी, पैसा,
लोग हमसे बहुत प्यार करें, लोगों के बीच में हमारा बड़ा जज्ब नाम हो, हम बड़े हो जाए, वी बिकम ग्रेट, वी वॉन्ट टू हैव अ ग्रेट फ्यूचर। और यीशु क्या देता है हमें? धार्मिकता, सच्चाई, प्रेम। हेलो, क्रूश। हम कभी क्रूश में नहीं आएंगे, यू नो, हम वी नेवर वु वॉन्ट टू कम टू द क्रॉस, दैट्स वाई ही वेंट ऑन द क्रॉस। हेलो, इसलिए यीशु हमारे लिए क्रूश पर चढ़ा। और यहां पर पौलुस कहता है कि आई हैव बीन क्रूसिफाइड, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को, व्हाट काइंड ऑफ लव इज इट? पौलुस का प्यार किस प्रकार का प्यार है? उस व्यक्ति पे प्यार है जिसने अपने आप को उसके लिए दे दिया। हालेलुया, मेरे साथ हो आप। What a great love. God, प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया, He loved the world. World मतलब हम लोग सब। अगर He loved USA तो अपने नहीं होते, If He loved Bhutan तो हम लोग नहीं होते, I love Nepal हम लोग नहीं आते, But He loved the world. परमेश्वर ने सारे जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा भेजा ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो पर अनंत जीवन। क्या पाए? अनंत जीवन पाए, कि हम अनंत जीवन पाए, दैट वी गेट इटर्नल लाइफ। एंड व्हाट इज इटर्नल लाइफ? अनंत जीवन क्या है? टू बी, टू हैव दैट रिलेशनशिप विद गॉड, टू एक्सपीरियंस दैट इटर्निटी, वो अनंतता आपके अंदर आप महसूस करो, उस प्रेम पर आधारित अनंतता जहां पर आपको किसी चीज की फिर कोई कमी नहीं होगी। हेलो, इफ यू कैरी दैट इटर्निटी इनसाइड, अगर उस अनंतता को आपने पाया है, देन यू विल नेवर लैक एनीथिंग, किसी चीज की आपको कमी नहीं होगी, बिकॉज यू गॉट इटर्निटी इनसाइड ऑफ मी। भाई, इटर्निटी को क्या तू कमी दिखाएगा? हेलो, और इसलिए पॉलुस चढ़ गया, चढ़ने के लिए तैयार हो गया। ओके, लेट मी टॉक अबाउट पॉल जल्दी से। पॉलुस जो था, ही वॉज बॉर्न इन टार्सस, आज जो टर्की है, टर्की में सिसिलिया नाम का जो जगह है वहां पर, AD 5 के आसपास उसका जन्म हुआ था। ही वॉज बॉर्न इन अ हाई क्लास जूश फैमिली, यहूदी परिवार में पैदा हुआ था, और ये अच्छे पद में रहने वाले लोग थे, क्योंकि व्हेन वी थिंक अबाउट इट, यू नो, यहूदी था लेकिन वो रोमन सिटीजन था, तो कोई ऐसा वैसा रोमन सिटीजन बन सकता नहीं है। रोम वॉज रूलिंग द होल वर्ल्ड, आज से 2000 साल पहले की बात है, रोमी साम्राज्य पूरे पृथ्वी के ऊपर राज कर रहा था, और रोमी साम्राज्य, आपको रोमन होना पड़ेगा अगर रोमी साम्राज्य का होना है, लेकिन ये यहूदी था, ही वॉज अ ज्यू, और उसको रोमन सिटीजनशिप दिया गया, यानी जरूर इन्होंने, इसके पेरेंट्स बहुत अच्छे पहुंच पहचान धन कुछ तो उन्होंने किया, या उन्होंने रोमी साम्राज्य को का मदद किया होगा, जिसके वजह से रोमी साम्राज्य ने इन्हें सिटीजनशिप दे दिया। आर यू विथ मी? जैसे अफगानिस्तान में, यू नो, लास्ट जो फ्लाइट जा रहे थे तो कौन से लोग थे? अमेरिकन सरकार ने उन अफगानी लोगों को कहा था कि अगर कुछ हो जाता है, हम आप हमें हमारी मदद करना, हम, यू नो, उनके गवर्नमेंट के अफेयर्स में उनके जो भी मदद, जब अमेरिका राज कर रहा था या अमेरिका के सिपाही लोग वहाँ थे, तो उस समय अमेरिकन्स को हेल्प करने वाले जो लोग थे उनको उन्होंने प्रॉमिस दिया था कि हम अगर आपके, यू नो, अफगानिस्तान में ऐसा कोई पॉलिटिकल सिस्टम आ जाता जिसमें आपके जिंदगी को खतरा है, तो देन वी विल टेक केयर ऑफ यू। और इसलिए उन्होंने जहाज भेज कर लोगों को भर कर यहां से वो अमेरिका ले गए, क्योंकि उनको लगा कि अब ये लोग अगर अफगानिस्तान में रहेंगे तो अब का जो सरकार है, शासन है, वो इनको मार डालेगा। Are you with me? तो दे बिकेम, वो अफगानिस्तान अफगानी लोग थे, लेकिन अब वो क्या हो गए? दे बिकम अमेरिकन सिटीजन। सो मे बी समथिंग लाइक दैट दिस पीपल, यू नो, हिज पेरेंट्स और somebody must have done, उन्होंने किसी ने ऐसा कुछ किया होगा जिसके वजह से दे बिकेम रोमन सिटीजन। नाउ दैट्स नॉट ऑल, उसके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो वो कहता है कि मैं अब्राहम का वंशवली से हूं और मैं फरीसियों का फरीसी हूं। हाँ, फरीसी उस समय के सबसे ज्यादा धर्म के बारे में ज्ञान और समझ रखने वाले लोग थे, ये सबसे सुपीरियर लोग थे। हाँ, ये सबसे, दे वर द मोस्ट सुपीरियर पीपल। और वो कहता है कि मैं फरीसियों का फरीसी हूं,
उसने पूरे यहूदी धर्म के अंदर जितने नियम थे वो सब कंठस्थ कर रखे थे, उसे सारा ज्ञान था, समझ था। गमालियल नाम का जो रबी था उसके पास बैठकर उसने अपना शिक्षा प्राप्त किया। यानी आज का प्रिंसटन या येल या ऑक्सफोर्ड में जाकर जैसे पढ़ाई किया, जो टॉप कॉलेज में जाकर आपने पढ़ाई किया, वैसे उस समय गमालियल मतलब ही वॉज ऑन द टॉप। और रोमी साम्राज्य रोमी समय में गमालियल के पास बैठकर शिक्षा लेने के लिए भाई पैसा लगता है, उस समय फ्री नहीं था। तो यानी उनके पास जरूर ताकत थी, उनके पास धन था, और आई डोंट नो हाउ दे मैनेज इट, बट डेफिनेटली वो यरूशलेम में जाकर पढ़ा। रहने का कहां था? ही वॉज बॉर्न वेयर? या ही वॉज बॉर्न इन टर्सिस। और उस समय आपको पता है कि ऐसा आसान नहीं था एक जगह से दूसरे जगह जाना, लेकिन सफर कर जाना और पढ़ना और अपने बच्चों को हॉस्टल में भी, जैसे आज हम भेजते हैं हॉस्टल में, यू नो फीस भरते, स्कूल का फीस भरते पसीना निकल जाता है। मैंने मेरे इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं भरा उतना, अभी मैं हर साल जॉयस के लिए फीस भरता हूँ एक साल, आशीष के लिए भी भरा, करेक्ट, आशीष का हो गया इसलिए थैंक यू, पर नया खर्चा है। हेलो, मेरे साथ हो आप? उसने वो अलग अलग भाषाएं पढ़ता था, he could speak, so he was very well educated, अच्छी तरह से शिक्षा पाया हुआ व्यक्ति, ज्ञान समझ सब कुछ रखने वाला, लिख सकता था। he was, उस 2000 साल पहले not many people could write and he was able to write, Paulus लिख सकता था, wow, मतलब आज का AI जैसा है उस समय। अच्छा, आप AI लैंग्वेज में या AI में आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो, fantastic, जैसे हम wow बोलते हैं वैसे उस जमाने में लिखना मतलब that was something amazing and Paul could do that। और वो पॉलुस कहता है I am crucified with Christ, मैं यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ गया हूं। ऐसा क्या है क्रूस में जो पॉलुस को, जो इतना सब कुछ रखता है, वहां के बड़े बड़े लोगों के बीच में उठना बैठना और वाद विवाद करना, फिलोसॉफी जानना, धर्म को जानना, एंड डूइंग ऑल दिस, उसको ये क्रूस जो एक गुनहगार को लटकाते हैं, गुना करने वालों को सजा जहां दिया जाता है, उस चीज से इतना मोहब्बत में लाने वाली बात क्या है? What was it that made him love this so much? Okay. सिर्फ पॉलुस नहीं, there was another person जिसका नाम था पॉलीकार्प। You know, कुछ साल बाद पॉलीकार्प जब 86 ईयर्स का था, उसने कहा कि मैं 86 साल यीशु की मैंने सेवा की। ही वॉज अ ओल्ड मैन, लेकिन एक दिन वो ऐसा कहता है, यू नो, वो अपने विश्वास के लिए, क्योंकि वो यीशु पर विश्वास करता था, रोमी साम्राज्य यीशु के शिष्यों के खिलाफ था। क्यों? क्योंकि यीशु ने जैसे कहा कि मैं मारा जाऊंगा और तीन दिन बाद जी उठूंगा, व्हेन जीसस रोज अप, इट वॉज अ बिग स्लैप ऑन द फेस ऑफ, बड़ा तमाचा था रोमी साम्राज्य के ऊपर। तो क्या हुआ? रोमन्स डिडंट लाइक इट। दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था कि अब जितने भी यीशु के शिष्य थे, उन्होंने अपने आंखों से देखा जो यीशु ने कहा, वैसे कि मैं ही मार्ग, मैं ही सत्य, मैं ही जीवन हूं, अब्राहम से पहले मैं था, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा है। सो दे न्यू दैट दे हैड सीन, उनको पता था, उनको यकीन है, उनको पूरा विश्वास हो गया कि यीशु सचमुच जो वो कह रहा है वो है, दैट ही इज गॉड, कि वो परमेश्वर है। और यीशु के सारे शिष्यों ने उसे अपना राजा मान लिया, और रोमी साम्राज्य को यह पसंद नहीं था कि सीजर के सिवाय और कोई राजा। तो जैसे अभी हम मिलते हैं, हेलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया कैसे हो पूछते हैं, वैसे उस समय हेल सीजर बोलना था। लेकिन यीशु में विश्वास करने वाले कभी भी सीजर को या रोमी साम्राज्य के राजा को अपना राजा मानते नहीं थे। जैसे आप ओके, आप राजा हो, लेकिन नॉट, हमारे जिंदगी का राजा इज गॉड, परमेश्वर खुदा जो है, ही इज आर किंग, एंड दैट बॉट फाइट, एंड रोमन्स वॉन्टेड टू किल, डिस्ट्रॉय। और ये सारे डिस्ट्रक्शन में जिस इंसान को अधिकार दिया गया था वो पॉल था, जिसके बारे में हमने पढ़ा। रोमी साम्राज्य के हाथ से उसने अधिकार पाया था कि जाकर मसीह लोगों को क्या करो, तबाह कर दो, मार डालो। एंड दैट वॉज दिस पॉल जो कह रहा है कि मैंने यीशु के क्रूस पर, मैं क्रूस पर, या आई बीन क्रूसीफाइड,
मैं क्रूस पर चढ़ गया हूं। उसी समय का थोड़े समय के बाद पॉलीकार्प नाम का एक व्यक्ति, जिसको यह कहा गया था कि तू अपने परमेश्वर को ठुकरा दे, यू नो क्या हुआ था, पॉलीकार्प एक विवाद में पड़ गया। विवाद यह था कि रोमी साम्राज्य और रोमी सरकार के जो त्योहार थे उन त्योहारों को मसीह लोग नहीं मना रहे। तो बोला यह नहीं हो सकता, आपको रोमी साम्राज्य जो बोलता है वो करना ही पड़ेगा। और वाद विवाद हो गया और पॉलीकार्प 86 वो खड़ा रहे जब होता है, वो कहता कि 86 साल मैंने यीशु की सेवा की एंड ही हैज नेवर डन एनी हार्म टू मी, फिर मैं कैसे उस राजा के खिलाफ जिसने मेरी जिंदगी बचाई मैं उसका खिलाफ बगावत कैसे करूं। और मैं धन्य हूं कि उसने मुझे चुना इस दिन के लिए कि मैं उसके लिए मारा जाऊं जिसने मेरे लिए अपने जान को दे दिया। पॉलीकार्प को आग से जलाया गया, आग के भट्टी में डालकर, लेकिन वो जला नहीं, मरा नहीं, एंड फाइनली दे स्टैब्ड हिम, छुरा भोंक कर, भाला भोंक कर उसे मार दिया गया। पॉलीकार्प डाइड लाइक दैट। सिर्फ पॉलीकार्प नहीं, आगे एक और मैं आपको कहानी बताना चाहता हूं। अनुज नहीं चल रहा, यू हैव टू डू इट। ओके, अनदर स्टोरी। अक्टूबर 2, 2006 निकल माइंस पेंसिल्वेनिया यूएसए में एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी, दुर्घटना नहीं एक बहुत बड़ा आतंक हुआ, जिसमें चार्ल्स रॉबर्ट नाम का एक व्यक्ति जो आप उस तरफ लेफ्ट साइड में देखते हो, जिसके तीन बच्चे थे, 3 children, वो उसकी पत्नी रॉबर्ट, चार्ल्स रॉबर्ट जो है वो, ये जो आप देख रहे हो ना चित्र, रियल उस घटना का चित्र है, वहां पर जो स्कूल दिख रहा है पीछे, वहां स्कूल में कुछ बच्चे पढ़ रहे थे। ये स्कूल एक कम्युनिटी जो आमिश कम्युनिटी माना जाना जाता है, ये जो लोग हैं ये मसीह लोग हैं लेकिन दे ट्राई टू कीप देमसेल्फ अवे फ्रॉम द वर्ल्ड, वो अपने आप को दुनिया से दूर रखते हैं। सो दे विल नॉट यूज फोन, दे विल नॉट यूज टेलीविजन, दे विल नॉट वॉन्ट टू मिंगल विद द वर्ल्ड। तो उनका एक अलग सा कम्युनिटी है, सो दे वुड लिव इन दैट कम्युनिटी। उस कम्युनिटी में वो रह रहे, दे वुड नॉट मिंगल विद एनीबडी एल्स, बाहर दुनिया के सारा जो यू नो दे थिंक दैट एवरीथिंग फ्रॉम द वर्ल्ड इज बैड, सो दे लिव इन, दे आर स्टिल देयर, अभी भी आप जाओगे दैट कम्युनिटी इज स्टिल देयर, दे लिव देयर, सो दे लिव इन अ वेरी सिंपल लाइफ अवे फ्रॉम एवरीथिंग दैट द वर्ल्ड इज ऑफरिंग टूडे। आज जो टेक्नोलॉजी जो कुछ दे रहे, दे आर नॉट, दे डोंट वॉन्ट टू मिक्स देमसेल्फ। तो ये कम्युनिटी में एक क्लासरूम में चार्ल्स रॉबर्ट बंदूक लेके घुसता है, वहां पर टीचर्स को बाहर निकाल देता है, लड़कों को बाहर निकाल देता है। 10 लड़कियां थी, स्मॉल गर्ल्स, उनके पांव पर वो डोरी बांध देता है एंड ही टेक्स अ गन एंड ही वॉन्ट्स टू किल ऑल ऑफ देम। और जब वो गोली चलाने पर तैयार था, वन ऑफ द गर्ल, उसमें से एक लड़की गिरकर उसके पांव पकड़ती है और वो लड़की कहती कि प्लीज एक काम करो, मुझे मार डालो, इन सब बच्चों को जाने दो। दैट स्मॉल गर्ल, वो छोटी लड़की इज रेडी टू डाई, वो कह रही है कि आप मुझे मार दो, मेरे सारे फ्रेंड्स को जाने दो, प्लीज प्लीज। वो गिड़गिड़ाती है, रोती है, उसके पैर पर लपट जाती है, बट चार्ल्स डजंट हियर इट। सबसे पहले उसको एक गोली चलाता है, 10 को गोली मारता, 5 लोग मर जाते हैं, 5 बच्चियां उसमें मर जाते हैं, इट शुक द होल नेशन ऑफ यूएस। जब इसको पकड़ा गया और इसके पीछे सब तहकीकात हुआ, यू नो व्हाट चार्ल्स सेड, चार्ल्स ने कहा कि 1997 में उसकी बीवी जब बच्चा जन्म दे रही थी, वो बच्चा 20 मिनट रहा और मर गया, एंड चार्ल्स वाज सो अपसेट, उसको इतना दुख हो गया, गुस्सा आया कि उसका पहला बच्चा जो है वो मर गया, एंड वो सो अपसेट एंड एंग्री, और इसलिए उसने जाकर उन बच्चियों का खून कर दिया। ही वॉन्टेड टू टीच द लॉर्ड अ लेसन। इस जगह से 1 किलोमीटर दूर रहने वाला वो व्यक्ति परमेश्वर को पाठ सिखाता है कि ओके, आपने मेरा, मैं, मेरे बच्ची मर गई, आई एम सो एंग्री, मैं इतना गुस्से में हूं, आई हेट यू, और इसका बदला मैं ले रहा हूं।
एक जगह पे पॉलुस जो कह रहा है मैं क्रूस पर चढ़ चुका हूं, एक जगह पर पॉलिकार्प जो कह रहा है 86 साल ही हैज बीन गुड टू मी एंड आई एम रेडी टू डाई, और एक जगह पर चार्ल्स रॉबर्ट हु इज सो अपसेट सो एंग्री, उसके जिंदगी के सवालों का जवाब नहीं है उसके पास, एंड ही शूट्स एंड ही किल्स. लेट मी टेल यू अनदर स्टोरी. यार अनुज आप जॉन क्लॉड, ये इंसान 11 साल का था जब रवांडा में दो जातियों के बीच में झगड़ा हो रहा था. ही वॉज 11 ईयर्स ओल्ड जब टुट्सी और हुटूस इन दोनों के बीच में, ये जो जो ट्राइब्स हैं इनके बीच में जंग हो रहा था. इसके घर के ऊपर अटैक होता है, उसके पड़ोसी लोग ही उसको उसके घर पर अटैक करते हैं, उसके गांव के लोग. ये टुट्सी था और हुटूस आकर उनके ऊपर हमला करते हैं. उसके ये भाग कर एक झाड़ी के पीछे, घर में घर के बाहर एक छोटा झाड़ी था उसके पीछे वो छुप जाता है. ही वॉज 11 ईयर्स ओल्ड. लेकिन उसके पापा, उसकी बहनों, उसकी आंटी, इन सब का मौत उसके आंखों के सामने. दे किल्ड हिम, दे किल्ड हिज डैड. जो चीज उसे नहीं देखना चाहिए था उसने अपने आंखों से देखा. एंड शी ही वॉज सो अपसेट एंड सो ब्रोकन. उसने अपने आंखों से अपने पापा को मरते हुए देखा, तड़पते हुए देखा, दर्द में देखा. उसकी मौसी को मरते हुए, उसकी बहनों को मार डाला गया, फाड़ दिया गया वहां. वही लोग जो उसके पड़ोसी थे, वही लोग जो उसके इर्द गिर्द रहते थे, और जो उसे कभी नहीं देखना चाहिए था, ऐसे दृश्य उसके मन में छप गया. एंड सवाल कि क्यों, वाई. और जब ऐसा कुछ होता है और उस उम्र में किसी के साथ होता है, व्हेन दे ग्रो अप, उनका दिल उस कड़वाहट के साथ वो बड़े होते हैं, दैट दे वांट टू टेक रिवेंज. उनको बदला लेना है, दे वांट, इस खून का बदला मैं लेकर रहूंगा, मेरे आंखों के सामने मेरे पापा को मार दिया गया. सो ही वॉज सो हर्ट. लेकिन जॉन क्लॉड संडे स्कूल में जाता था जहां पर उसे सिखाया जाता था कि परमेश्वर प्रेम है, लव योर नेबर्स, लव योर एनिमीज. बार बार प्रेम 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 के बारे में सिखाया जाता था बाइबल के अंदर से. एंड ही वॉज टॉर्न इन दोनों चीजों के बीच में, हिज लाइफ वॉज टॉर्न. उसने कहा नहीं नहीं नहीं, आई वॉन्ट टू टेक रिवेंज, फॉरगेट एवरीथिंग. लेकिन कंपैशन इंटरनेशनल नाम के उस सेवकाई ने उससे मदद किया, talk to him about the love of God and tried to help him and heal him. जब वो पढ़कर बड़ा हो गया, जब वो पढ़कर बड़ा हो गया, somehow he overcame that. और उसने एक non-profit organization शुरू किया जिसका नाम था बेस्ट फैमिली. और बेस्ट फैमिली नाम के उस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में उसने ये चुना कि जितने अनाथ बच्चे थे इन लड़ाइयों की वजह से रवांडा में, जितने बच्चे अनाथ हो गए हैं जिनके फैमिलीज नहीं है, उन बच्चों को लेकर उसने पढ़ाया, उन बच्चों को सिखाने का उसने जिम्मेदारी उठाया. ही टुक दैट डिसीजन दैट आई एम गोइंग टू हेल्प ऑल दोस किड्स, उन सारे बच्चों का मैं मदद करूंगा. लेकिन ये दिखाने के लिए कि उसने सचमुच फॉरगिव किया है, उसने कहा कि जिन लोगों ने मेरे ही परिवार के लोगों को मारा है ना, जिस जाति ने, उस जाति का भी मैं मदद करूंगा, क्योंकि लड़ाई में उधर भी लोग मरे. सो ही वॉज उसके मन में, व्हेन ही राइट्स, ही सेज कि मेरे मन में ऐसा होता था कि मैं सिर्फ अपने जाति के लिए करूं, लेकिन ये बाइबल ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं जिन लोगों ने मुझे मारा, मेरे परिवार को तबाह कर दिया, आई टुक देम. और मैंने जानबूझकर ये डिसीजन लिया कि हम उन बच्चों को भी लेंगे, हम हुटूस के बच्चों उसको भी बच्चों को भी लेंगे, और हम उनको भी सिखाएंगे. और उसमें से एक बच्चा, एक अनाथ, वही इंसान का था जिसने उसके पापा को मार दिया था. उसे जेल में डाल दिया गया, पकड़वाया गया. He died. But his son, his child, उसका बच्चा जो था अनाथ था, and Jean-Claude
decides to take that child and get him into his family. You know, pain is terrible. Dard, suffering is terrible. हम सब दर्द में से होकर गुजरते हैं. हम सबकी जिंदगी में दर्द आता है, हम सबकी जिंदगी में क्लेश आते हैं, हम सबके जिंदगी में मुसीबतें आते हैं. बट ऐसा क्या है कि पौलुस कहता है कि मैं क्रूस पर चढ़ गया? ऐसा क्या है कि किसी इंसान को कोई इंसान क्रूस से इतना प्यार करे, उस क्रूस में ऐसी ताकत है कि उसके जिंदगी के सारे दर्द से बढ़कर एक बड़ा दर्द वो चुनता है और उस दर्द से आने वाला जो मरहम है वो उसके जिंदगी के दर्द को भर देता है. हेलो, मेरे साथ हो आप? आर यू विथ मी? सो पॉल चूजेस, पॉलस कहता है कि मैं क्रूस पर चढ़ गया, आई बीन क्रूसिफाइड. हम लोग नहीं कहेंगे, वुड यू वॉन्ट टू से दैट जॉयल? डू यू वॉन्ट टू बी ऑन द क्रॉस? We don't want. एक छोटा सा सुई भी हमको लगे तो वी नो वॉट पेन इज, बट वी डोंट वॉन्ट टू गो थ्रू पेन लाइक दैट. हमको ऐसे दर्द से या दर्दनाक हालातों से जाना हमको पसंद नहीं है. वी डोंट लाइक इट. एंड वॉट डिड जीसस सफर? यू नो, आई जस्ट वॉन्ट टू टेक यू बैक. यीशु ने मरकुस रचित सुसमाचार 15:15, यू नो, वेन वी लुक एट इट, मरकुस 15:15 पढ़ेंगे. तब पिलातुस ने भीड़ को प्रसन्न करने की इच्छा से बरअप्पा को उनके लिए छोड़ दिया. भीड़ को प्रसन्न करने के लिए पिलातुस, जो उस समय का रोमन गवर्नर था, उसके पास ऑप्शन था. लेकिन भीड़ ने कहा, उसने कहा कि मेरे को इसमें कोई गुनाह दिखाई देता नहीं है. लेकिन यहूदी लोगों ने और फरीसियों ने कहा कि नहीं नहीं, यीशु को क्रूस पे चढ़ाओ, इसे मारो, क्योंकि ये कहता है कि ये खुदा है, ये कहता है कि ये राजा है. और तो पिलातुस जो गवर्नर था उसने अपना हाथ धो दिया. उसने कहा कि नहीं नहीं नहीं, मुझे इसके खून में कोई लेना देना नहीं है. आप लोग बोलते हो मारना है तो आप ले जाओ, उसे मार दो. और वहां पर क्या लिखा है सर, एक और बार पढ़िए. तब पिलातुस ने भीड़ को प्रसन्न करने की इच्छा से बरअप्पा को उनके लिए छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर सौंप दिया. सिंपल एक लाइन में लिखा है कि यीशु को कोड़े लगवाकर सौंप दिया. बट किस प्रकार के कोड़े थे वो? यू नो, उस समय आई जस्ट वॉन्ट टू शो यू समथिंग. उस समय ऐसा एक खंबा हुआ करता था जिसपे उस गुनहगार को बांध दिया जाता था. एक ब्लॉक दिख रहा है ना, जहां पे वो हाथ दिख रहा है. या सो ही वुड बी, उसको चेन करके रखते थे. और रोमी सिपाही जो है, जिनके हाथों में जो चाबुक था उसके एंड पर हड्डी और कील वगैरह लटकाए जाते थे. एंड दे वुड फ्लॉग हिम. फ्लॉग का मतलब है कि उस चाबुक से ऐसा जोर से मारते थे कि वो चाबुक के एंड पे जो था वो सारा चीज उस शरीर के अंदर घुस जाता था. और बाहर जब वो खींच के निकालते हैं, सो इट वुड टेक द फ्लैश आउट. तो ये जो रीड है, यू नो, हिस्टोरियंस जब हम पढ़ते हैं तो पीठ जो है, पीठ को इस तरह से फाड़ दिया जाता है कि आपको अंदर जो पंजर है वो दिखाई देने लगे, जो रीढ़ है वो दिखाई देने लगे. कई लोग वहीं इसी पे मर जाते थे. बहुत सारे लोग सर्वाइव ही नहीं करते थे इससे आगे. पीपल वुड डाई हियर. और यहां पर मरकुस रचित सुसमाचार में पढ़ते कि उसे कोड़े लगवाने के लिए, दिस इज वन लाइन, बट ही वॉज बार बार उसके शरीर पर कोड़े लगवाए गए. दे से दैट 40 times, रोमी साम्राज्य का रूल था कि 40 टाइम्स उसको मारकर इन चाबुकों से मारना था. एंड दे वुड काउंट, 39 पे स्टॉप कर देते थे. क्यों? क्योंकि 41 अगर मार दिया तो जो सिपाही ने मारा है उसके ऊपर सजा होगी. सो 39 पे वो रोक देते थे. तो कम से कम 39 टाइम्स जीसस वॉज फ्लॉग्ड. और ऐसा कहा जाता है कि उस इंसान जो ये फ्लॉगिंग में से जाता है, बिकॉज चाबुक तो क्या है, हर तरफ से लगता है. फाड़ क्या क्या आपके शरीर के चिथड़े किस किस तरह से किए, यू विल नेवर नो. एंड जीसस वॉज फ्लॉग लाइक दैट. यीशु ने क्या दर्द उठाया? इफ यू लुक एट इट,
आई जस्ट वॉन्ट टू शो यू वन मोर थिंग. दे मॉक्ड हिम, उसका मजाक उड़ाया गया. यू नो ये सारे जो मूवीज है उसमें इशू कपड़े में है, यू नो एटलीस्ट यहां पर ही इज कवर्ड. लेकिन एक्चुअल में इट वॉज ही वॉज नेकेड. ये तो मूवी में दिखाने के लिए यू नो दे जस्ट पुट सम क्लोथ्स. दे मॉक्ड हिम, उसको चाबुक लगवाया, उसका मजाक उड़ाया गया, उसके सर पर कांटों का ताज बिठाया गया ठोक कर. क्यों ताज बिठाया? क्योंकि वो मजाक उड़ा रहे थे कि अच्छा तू राजा है ना, तो बड़ा राजा है, तो हम तुझे मुकुट पहनाएंगे. और कांटों का ताज उसको पहनाया और लाल कलर का एक वस्त्र, जैसे इसमें हम देखते हैं कि दे गेव हिम अ रोब, अ रेड रोब, ये कहने के लिए तू राजा है. एंड ही वॉज नेकेड. मतलब कैन यू इमेजिन कि कभी कोई आपका इस तरह से मजाक उड़ाए कि आपको पूरा शर्मिंदा कर दे. सार्केज्म का हाइट कि शर्मिंदा कर दे, आपको पूरा नग्न कर दे. मुकुट पहना लिया, ये रोब पहना कर सबके सामने कि ये यहूदियों का राजा है पेश कर रहे हैं, पूरी भीड़ के सामने, उन लोगों के सामने जो कुछ दिन पहले होजाना होजाना गा रहे थे, उस भीड़ के सामने जिसको उन्होंने चंगा किया, जिसे जिनके कोल्ड को उसने ठीक किया, जिसके अंधी आंखों को रोशनी दी, जो चल नहीं पा रहे थे और उसको उसने चलाया, जो दुष्ट आत्मा से भरे थे उनको चंगा किया, उसी भीड़ के लोग के सामने पेन. हैव यू बीन थ्रू पेन? क्या कभी आप ऐसे शर्म का सामना किया है? आपकी जिंदगी में कभी ऐसा आपको शर्मिंदा किया गया? व्हाट इज आवर रिस्पॉन्स? What is our response? We never, हम कोई शर्मिंदा होना नहीं चाहते. We never want to be ashamed. Never. Bible कहता है कि एक और दिन आएगा जब हमारे सारे कर्म जो है वो परमेश्वर के सामने प्रभु न्याय करेगा. तो इस न्याय के दिन हमारे सारे कार्य जो है will be shown and we will be judged and everybody will see. नरक तो जाने दो, लेकिन उस शर्म से ही हमारा हार्ट अटैक होकर हम मर जाएंगे. हेलो, क्योंकि हमारे काम इतने घिनौने हैं. वी नेवर वॉन्ट एनी वन टू नो हु वी आर, हम कौन है, हम नहीं चाहते कि कोई हमें जाने. सोच कर देखे वो शर्मिंदगी क्या है. एंड जीसस वॉज, जीसस वेंट थ्रू द क्रॉस. जब वो क्रूस पर गया, ही वेंट थ्रू दैट पेन. लोगों ने मजाक उड़ाया, थूका उसके ऊपर, यू नो दे स्पैट ऑन हिम, उसके ऊपर उसके ऊपर थूका. हाउ डिड जीसस सफर? एक बहुत बड़ा क्रूश उसके ऊपर कांधों पर लटकाया गया, दिया गया. एंड ही हैड टू टेक दिस एंड वॉक. एक गोलगोथा नाम का आज भी जो जगह है वहां पर एक चट्टान है, उस चट्टान के ऊपर तक चढ़ना था. एंड ही हैड टू टेक द क्रॉस. लेकिन उस फ्लॉगिंग की वजह से, उस मार के वजह से ही वो सो वीक कि वो बार बार गिर जा रहा था. और बाइबल कहता है कि सिमोन नाम का एक व्यक्ति को कहा गया कि भाई उठा ले क्रूश यीशु के जगह पर, बिकॉज जीसस कुड नॉट कैरी. क्योंकि इतना जब आपको मार कर फाड़ दिया जाता है, आपके शरीर के अंदर से सारा खून बह गया, यू डोंट हैव एनी एनर्जी लेफ्ट, डिहाइड्रेशन का हद हो गया, पानी नहीं और जो खून था वो भी शरीर से बह गया, कोई ताकत नहीं, कोई मसल्स आपके फट गए, दर्द में हो आप, एंड यू कैनॉट लिफ्ट अ क्रॉस. और यीशु को वो क्रॉस उठाकर चलाया गया और लोग सारे रास्ते में थूक रहे थे और यीशु को मारा जा रहा था. एंड ही डिड नॉट स्पीक अ वर्ड. वो एक शब्द नहीं बोला. ही डिड नॉट स्पीक अ वर्ड. यशाया 52 में ऐसा लिखा है, कुछ 100 साल पहले 52 में ऐसा लिखा है कि लोग अचंभित रह गए उसके मुख को देखकर. और वो इंसानों सा है ऐसा समझ भी नहीं आ रहा था. ही वॉज बियॉन्ड ह्यूमन रिकग्निशन. ये भविष्यवाणी था यीशु के बारे में. यीशु के जन्म से कई 100 साल पहले यशया नबी ने जब भविष्यवाणी लिखी थी आने वाले मसीहा के बारे में, तब यशया ने ये लिखा था कि वो इंसान है ऐसा पहचाना नहीं जा सकता था. वैसे उसकी हालत थी. It was difficult to understand if he is human being.
ओके, यू नो आई शोड दिस पिक्चर एंड दिस इज, ये जो पिक्चर है, इस तरफ जो पिक्चर है, विच इज अ नेल विद अ बोन, इज व्हाट दे गॉट, इज अ रियल पिक्चर. जब वो आर्कियोलॉजिस्ट यू नो वो कर रहे थे तो दे गॉट अ बोन विद अ नेल. सो आप समझ सकते कि क्रूसिफिक्शन जो था, क्रूस पर चढ़ाया जाने वाला जो बात था, इट इज नॉट जस्ट अ स्टोरी, इट वॉज अ रियलिटी. एंड जब रोमी साम्राज्य के सिपाही जब उस व्यक्ति को क्रूस पे चढ़ाते हैं, एंड व्हेन दे टेक दोस बिग नेल्स, वो बड़े कील लेकर ठोकते हैं, इट गोज थ्रू द बोन. हेलो, हम लोग क्रूस पे दिखाते ऐसे लगाते दोरी बोरी बांध के, नहीं, दिस वॉज द रियलिटी. उसके बोन के अंदर से द नेल वुड बी ड्रिवन डाउन. क्रूस जो है ये बहुत खतरनाक चीज है, जो आज एक ऑर्नामेंट हो गया है, लेकिन किसने इसको ऐसा, इस बदसूरत चीज को इतना खूबसूरत बनाया कि आज लोग पहनते, घर पर रहते, सब इमारतों के ऊपर लगाते हैं. सोचने वाली बात है. इट इज पेनफुल. आपके हड्डी के अंदर से पूरा खील उतार दिया गया, दर्द आप सोच के देखिए, हड्डी टूटना और उस खील पर, उस हड्डी पर लटके रहना, उस दर्दनाक हड्डी के ऊपर लटक कर रहना. लोग यू नो द मेडिकल डॉक्टर्स जिन्होंने ये क्रूसिफिक्शन को स्टडी किया, उन्होंने बताया कि अ पर्सन डाइज बिकॉज ऑफ सफोकेशन. सांस नहीं ले पाता, उससे उसके वजह से वो मर जाता, क्योंकि जब उसको सांस लेना है, उसका वजन पूरा उस खीलों पर है. इट इज सो पेनफुल. और खींचने के लिए जब उसका शरीर उसका वजन नहीं ले पाता, ही हैज टू पुल हिमसेल्फ अप. यहां पर हाथ में से जो कीले मारे गए उसको खींचना पड़ता है ताकि ही कैन एक्सहेल एंड इनहेल. एंड ही वाज क्रूसिफाइड, ही वाज पुट ऑन द बोन, ही वाज पुट देयर, द वर्स्ट फॉर्म ऑफ एग्जीक्यूशन, डिजाइन टू स्प्रेड टेरर. ये इसीलिए बनाया गया ताकि लोग यू नो रास्ते के ऊपर या बड़े ऊंचे जगह के ऊपर क्रूस को लगाकर गुनहगारों को लटकाया जाता, ताकि लोग आकर देखें और अपना सर झुकाए. इनफैक्ट लोग देखना पसंद नहीं करते थे, जैसे हमको नहीं पसंद है. वेन वी लुक एट दोज सीन्स, यू नो इवन इफ इट इज एक्टेड और यू नो इट इज नॉट रियल, बट जस्ट टू सी समथिंग एक्टेड आउट, ऐसा कुछ इवन एक मूवी के अंदर देखना, हम यू नो वी आर इन पेन. और उस समय खौफ था, सबको ऐसा लटका लटका कर रखाया जाता था. रोमी साम्राज्य के खिलाफ कुछ किया तो दिस इज वॉट विल हैपन टू यू. इट वॉज अ साइन ऑफ टेरर. और एक व्यक्ति उसी तरह से मरता था. और हम पढ़ते हो गलातियों की पत्री 2:20 में, That I am crucified with Christ. सवाल ये है, why did they want to be crucified? ऐसा क्या है ये बाइबल में जो आपको क्रूस पे चढ़ जाने के लिए मजबूर करता है? हेलो, आर यू विथ मी? डू यू गेट माई क्वेश्चन? What would make you want that death? ऐसा क्या है कि आप मरने के लिए तैयार हो जाते हो? जैसे मैंने कहा शुरू में, Nobody will go through the pain unless there is that love. And we all go through pain. हम सब अलग अलग प्रकार के दर्द से होकर गुजरते हैं. And I want to show कि ये दर्दनाक, खौफनाक चीज जो दर्द का प्रतीक है, वो आपको आपके दर्द में से कैसे बाहर ला सकता है. Hello? Are you with me? How the cross can has the power, उसके अंदर कैसे ताकत है कि वो आपके दर्द में से बाहर आने के लिए, it will give you the power. Let me take you forward. You know, यीशु को पकड़वाया गया था, उससे पहले यीशु के ऊपर न्याय किया गया. उसे धर्मी जो फरीसियों का जो संगठन था, सन्हेदरिन संघ था, उसके सामने लाकर रखा गया और उसके ऊपर सारे इल्जाम लगाए गए. You know, कैसे इल्जाम? कि जो गुनाह उसने कभी किया नहीं, ऐसे चीजों के बारे में गलत इल्जाम लगाया गया. जब आपके ऊपर कोई गलत इल्जाम लगाता है, व्हाट इज योर फर्स्ट रिस्पॉन्स? नहीं, नहीं, मैंने नहीं किया, आशीष ने किया, जो इसका था. हाँ, है ना? या मतलब पास्टर के घर पे भी बच्चे आपके जैसे ही होते हैं, नॉर्मल बच्चे हमारे. लेकिन जब कभी भी
आपके ऊपर इल्जाम लगाया जाता है जो चीज आपने नहीं किया है, व्हाट इज योर फर्स्ट रिस्पॉन्स? टू फाइट इट बैक, राइट? कि नहीं मैंने नहीं किया, नो 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 नो, देख लो, इनको पूछ लो, उनको बता लो, ये कर लो, यू नो, उसको पूछ लो, सच में बोल है कि नहीं. गुस्सा, यू गेट सो एंग्री, सो अपसेट, कि नहीं नहीं यार, कोई मेरे ऊपर ऐसा गलत इल्जाम तो मैं कभी लगाने नहीं दूंगा. आई एम लाइक नो, किया हो तो भी नो. हेलो, हम तो ऐसे है, मतलब एक लेवल ऊपर. मैं नहीं करूं. एंड हियर वाज जीसस, सबके सामने दे चाटा मारा, थूका उसके ऊपर, एंड लाइक हेलो. ये कुछ दिन पहले, चार दिन हो गया मर गया, उस मुर्दे के कब्र पे जाके यीशु ने कहा लाजर बाहर आ, और ये बाहर आया. उसको आपने चाटा मारा, उसके ऊपर आपने थूका. अभी कुछ दिन पहले वो शिष्यों के साथ बोट में था और आंधी तूफान उठा और उसने आंधियों को डांट दिया और आंधी थम गया, उसको आपने चाटा मारा. क्या जरूरत है आपकी? बट जीसस डिड नॉट डू एनीथिंग हियर. चाटा मारा, थूका, गलत इल्जाम लगाया, एंड ही वॉज साइलेंट. एंड द बाइबल सेज जैसे ऊन कतरने वाले के सामने वो मेमना चुप रहता है, यीशु चुप रहा. वाई? क्यों? आई गेट यू द रीजन. बट अभी जस्ट बी देयर, इसे समझने की कोशिश करिए. जिनको जो रिप्रेजेंट कर रहे थे कि परमेश्वर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हाई ऑफिस, यू नो, इन लोग धर्म शास्त्री थे, धर्म गुरु लोग थे, तो वो तो साक्षात सच्चाई को, धार्मिकता को रिप्रेजेंट करने वाले लोग हैं. उनके हाथों से अन्याय, घोर अन्याय. कभी आपको ऐसा हुआ है कि यार, जिन लोगों ने, मैंने सोचा था कि सरकार ऐसा करेगा, मैंने सोचा वो अफसर ऐसा करेगा, मैंने सोचा मेरे पापा ऐसा करेंगे नहीं, मैंने सोचा ये ऐसा नहीं करेंगे, और उनके हाथों से आप अन्याय सहन करते हो. मेरी मम्मी ऐसा कभी नहीं कर सकती, मेरे पापा ऐसा कभी नहीं करेंगे. एंड वी आर हर्ट, वी आर सो ब्रोकन. नहीं नहीं नहीं, जिनसे अपेक्षा नहीं था वे लोग कैसे कर सकते ये? एंड दैट्स पेन. यू नो, चार्ल्स रॉबर्ट का जो कहानी था, जब बच्चे बच्चों को गाड़ दिया, वो जो छोटा कम्युनिटी था ना, साधारण सरल लोग, वो चार्ल्स रॉबर्ट के घर पर जाते हैं, खटखटाते हैं. चार्ल्स रॉबर्ट की पत्नी घबरा जाती है, हाथ पांव कांपते हैं, उसके पति ने उनको मारा था, डरती है, अपने पापा को भेज देती है. वो आते हैं और पूछते हैं कि हमको पता है कि चार्ल्स रॉबर्ट अकेला कमाता था, उसके तीन छोटे बच्चे हैं, क्या हम कुछ कर सकते हैं उन बच्चों के लिए? क्योंकि आप कैसे खाओगे, कैसे रहोगे, अब कमाने वाला तो कोई रहा नहीं. What? Really? Yeah, they went. वो गए and they said कि हम उन बच्चों को स्पॉन्सर करेंगे, मतलब उनका खाना पीना जो भी है खर्चा, our community will take it. How can we say that? ऐसा कैसा कोई बोल सकता है? तुम्हारे बच्चों को उसने मारा, तेरे नन्हे से प्यारे से उस गुड़िया सी लड़की को मार दिया. How can you say that? But they went there and knocked the door and they said, Can we please help? And here Jesus was accused. गलत इल्जाम लगाया गया, बोला गया ये ऐसा है वैसा है. लोग हमको अलग अलग नाम से बुलाते हैं, हमारे ऊपर गलत इल्जाम लगाते. What is our first response? जो इतनी ताकत है मुट्ठी में, वो मुट्ठी से हम उसको पंच करके दीवार में घुसा देना चाहते हैं. We want to take revenge. But Jesus didn't do that. Jesus didn't do that. Okay, let me take you to the next one. Are you with me? Following me? Yeah. Okay. सरकार सोचा कि चलो इन लोग तो न्याय नहीं करेंगे, लेकिन पिलातोस गवर्नर, रोमी साम्राज्य, कम से कम सरकार तो ठीक ठाक न्याय करेगा. बट वहां भी अन्याय मिला, सफरिंग, अन्याय मिला. सरकार ने, मेरा मार्क सही नहीं आया, मुझे वहां पे जॉब मिलना था लेकिन जॉब नहीं दिया,
मेरे को वहां पे ये होना था वो नहीं दिया, मेरे को ये होना चाहिए था वो नहीं दिया. हेलो, डू वी गो थ्रू थिंग्स, वी गेट सो बिटर, वी गेट सो ब्रोकन. भैया आपको नहीं पता ये दर्द कैसा होता है. या आई नो, मैं उसमें से नहीं गया हूं, आप ही गए हो, आपका दर्द आप ही जान सकते हो. आई कैन, आई विल नेवर नो दैट पेन. बट व्हाट इज आवर रिस्पॉन्स? और वो राजा क्या करता है, वो गवर्नर क्या करता है, भीड़ को खुश करने के लिए उनके डिसीजन में, उनके साइड में फेवर, उनके डिसीजन, उनके साइड में या उनको फेवर करके डिसीजन ले लेता है. उनको फेवर करना, भीड़ को प्रसन्नित करने के लिए. बोले ऐसा कैसे हो सकता है यार, सच्चाई तो सच्चाई है, न्याय तो न्याय है, हाउ कैन यू डू दिस? यार आप वहां पर बैठे हो, इतने ऊंचे पदवी पर बैठे हो, यू शुड हैव डिसाइडेड राइट. नो नो नो, हमने पहले पढ़ा ना कि भीड़ को खुश करने के लिए उसने क्या किया. ओ या, जो लोग होजाना चिल्ला रहे थे वही लोगों ने कहा कि इसे क्रूस पर चढ़ाओ. जिन लोगों ने यीशु के चमत्कारी रोटी और मच्छी खाया वो लोग कहते कि इससे क्या करो, क्रूसीफाई हिम. कभी ऐसा हुआ है कि मेरा दोस्त, मैं इतना ध्यान रखा और मेरे दोस्त ने दगा किया मेरे साथ. आई नेवर एक्सपेक्टेड हिम, मेरे साथ मेरे प्लेट में खाने वाला, मेरे साथ. आई कैन नेवर फॉरगेट आपको मैं, आई कैन नेवर फॉरगेट दिस. सब कुछ भूल सकता हूं बट नॉट दिस, कि मेरे साथ खाने वाला, मैंने खिलाया, मैंने जिसे बड़ा किया, मैंने जिसके लिए खर्च किया, मैंने जिसकी तरक्की देखना चाहिए, मैंने जिसके तरक्की में अपने आप को खपा दिया. That friend turned out मेरे खिलाफ हो गया और उन्होंने कहा कि बरब्बा को छोड़ दो. बरब्बा उस समय का बड़ा लुटेरा और वो क्रांतिकारी था, बोला उसको छोड़ दो. लेकिन यीशु, जिसने कोई खून नहीं किया है, जिसने कोई गुनाह नहीं किया है, सिर्फ भला है. और कितना भला, ऐसे वैसे भला नहीं, बहुत ज्यादा भला, बहुत बहुत ज्यादा भला. अच्छा नहीं, बहुत बहुत ज्यादा अच्छा. जिसने ये कहा कि अगर तुम्हारा दुश्मन प्यासा हो तो उसे पानी पिलाओ, जिसने कहा कि अगर उसे कोट की जरूरत है तो अपना सारा वस्त्र उसे दे दो, जो तुझे एक मील ले जाए जबरदस्ती उसके साथ तू दो मील जा. सो दिस वॉज जीसस, जिसने ये सिखाया कि धन्य है वो जो दीन है मन के. वैसे के खिलाफ इतना सब कुछ, इट्स टेरेबल. उसके शिष्य चले गए, भाग गए सब लोग. सबको राजा बनना था, सबको बड़े बड़े पदवी चाहिए थे, लेकिन एवरीबॉडी गॉन, गायब, चले गए. ही वॉज ऑल लेफ्ट अलोन एंड हेल्पलेस. कभी आपका जिंदगी, हैव यू बीन थ्रू अ पेन? क्या कभी आपको ऐसे दर्द में से आप होकर गए हो वेर यू वेर लेफ्ट अलोन, जब आपको लगा कि एवरीबॉडी लेफ्ट मी, नोबडी इज देयर, कोई नहीं है मेरे साथ, नोबडी स्टैंड्स विद मी, नोबडी इज रेडी टू स्टैंड विद मी. जो धर्म के लोग थे, धार्मिक लोग थे, वो रुकने थे, दे डिड नॉट स्टैंड. मेरे पड़ोसी जिनकी मदद की, दे डिड नॉट स्टैंड. मेरे बच्चे जिनको मैंने खिलाया, दे डिड नॉट स्टैंड. मैंने जिसको, मेरी अपेक्षा जिस पर थी कि वो खड़े रहेंगे, दे डिड नॉट स्टैंड. एवरीबॉडी लेफ्ट मी अलोन. व्हाट डिड जीसस सफर? ही वाज अबैंडन्ड. बाइबल कहता है मत्ती रचित सुमारा, मैथ्यू चैप्टर 15, नो आई डोंट हैव टाइम टू रीड इट, बट द बाइबल सेज कि वहां अंधेरा छा गया दोपहर को. इट वॉज नून एंड देयर वॉज डार्कनेस फॉर 3 आवर्स. डार्कनेस फॉर 3 आवर्स, वॉट डज दिस डार्कनेस टेल यू? इट शोज द जजमेंट ऑफ गॉड. परमेश्वर का न्याय का प्रतीक है अंधकार. नरक के बारे में जब बोला गया तो यीशु ने क्या कहा उस शिष्य को? बोला कि इसे बाहर अंधकार में डाल दो. एंड दैट डार्कनेस वॉज देयर फॉर 3 आवर्स एज ही हंग ऑन द क्रॉस. जब वो क्रूस पर था, वो अंधकार वहां पर था. परमेश्वर का न्याय हो रहा था और इसीलिए यीशु ने कहा क्रूस पर, क्या कहा? व्हाई हैव यू फॉरसेकन मी? कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? Why have you forsaken me? Because he was being made the sin of the world. दुनिया का पाप उसके ऊपर लादा जा रहा था.
सारी दुनिया का गुनाह वो अपने ऊपर उठा रहा था. ही वॉज बिकमिंग द लैम्ब ऑफ गॉड, परमेश्वर का मेमना वो बन रहा था, मेरे और आपके पाप को वो अपने ऊपर उठा रहा था. लेट मी मूव फॉरवर्ड. यू नो यीशु ने क्रूस पर बहुत कुछ कहा, लेकिन क्रूस पर चढ़ने से थोड़े पहले उसके दो 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 शिष्य झगड़ रहे थे कि मैं हमको कौन सा जगह मिलेगा बैठने के लिए, हम कौन से पदवी पर आएंगे. और यीशु ने उनसे पूछा, क्या तू ये कटोरे से पी सकता है, मत्ती 20:22, कि क्या तुम बैठने की बात करते हो, क्या तुम मेरा कटोरा पी सकते हो, जो कटोरा मैं पीने वाला हूं क्या आप उसे पी सकते हो, कैन यू ड्रिंक दैट. हाँ, यीशु ने उत्तर दिया, तू नहीं जानता कि तू क्या मांग रहा है, जो कटोरा मैं पीने पर हूं क्या तू पी सकता है. उन्होंने उससे कहा, पी सकते हैं. उन्होंने ऐसे कह दिया, उनको क्या पता. लेकिन गेतसेमने की वाटिका में यीशु ने प्रार्थना किया कि हे पिता, अगर हो सके तो ये कटोरा मुझसे ले लो, लेकिन फिर भी ये कटोरा क्या है, ये परमेश्वर का क्रोध का कटोरा है. दिस इज गॉड्स रैथ, परमेश्वर का एंगर. एंगर किस पर? पाप के ऊपर. पाप के ऊपर परमेश्वर का क्रोध. क्यों पाप के ऊपर? क्योंकि पाप परमेश्वर से और परमेश्वर से हमें दूर करता है. सो गॉड इज एंग्री लाइक अ मदर. एक माँ जैसे हार्पिक डाल डाल कर घर का सारा जर्म्स को मारती है. शी सो अपसेट विद देम, शी वॉन्ट्स टू कीप किल एवरी जर्म. बच्चे को डेटॉल से नहलाकर सर से, ओहो कोविड के टाइम में क्या क्या था, अभी तो बाहर क्या जा कर आए, अंदर घुसे सीधा स्टीम के अंदर डाल के सांस लो, अंदर नाक में ये डालो, न तेल डालो, न इसका स्टीम उसका स्टीम, सब कुछ अपने ऊपर ले लो, मर्द किसी तरह से कोविड तुझे छुए नहीं. एंड गॉड हेट सिन बिकॉज सिन सेपरेट्स अस फ्रॉम गॉड, फ्रॉम दैट रिलेशन. परमेश्वर जो पवित्र है उससे हमें दूर करता है पाप. ओके, लेट मी मूव फॉरवर्ड. वो वाला स्लाइड दिखा दो. यशया 51 उसका 22 कहता है कि मैंने तेरे हाथों से वो कटोरे को ले लिया, जो कटोरा 51:22 सर पढ़ सकते हैं. या सो हाँ, तेरा प्रभु यहोवा जो अपनी प्रजा का मुकदमा लड़ने वाला तेरा परमेश्वर. हेलो, यहोवा अपने प्रजा का मुकदमा लड़ने वाला. आमेन. गॉड वॉन्ट्स टू फाइट योर बैटल, ही वॉन्ट्स टू सेव यू. मुकदमा कौन लड़ता है? एक लॉयर लड़ता है. एंड जीसस इज द मीडिएटर, बाइबल सेज कि वो हमारे जगह पर आकर मुकदमा लड़ना चाहता है. और वो क्या मुकदमा लड़ने के लिए क्या क्या वो ये कहता है, सुन मैं हाँ लड़खड़ा देने वाले मद के कटोरे को, अर्थात अपने जल जलाहट के कटोरे को तेरे हाथ से, हाथ जो कांपता है जब न्याय हमारे ऊपर होता है, उस हमारे हाथों को हिला दे, हमें परेशान कर दे. हमारे जब हमारे ऊपर परमेश्वर अगर न्याय करेगा, द होली गॉड व्हेन ही जजेस अस वी विल ट्रेम्बल. लेकिन वो कहता है कि मैं मुकदमा लड़ूंगा, तेरे हाथ से मैं वो कटोरा ले लूंगा. और यीशु ने उस दिन गेतसेमने की वाटिका में प्रार्थना किया कि हो सके तो ये कटोरा मुझसे ले ले, लेकिन फिर भी मेरा हित हित नहीं तेरा हित पूरा हो. एंड ही टुक एंड ही ड्रैंक फॉर अस, उसने हमारे लिए वो कटोरा लेकर पी लिया, जो परमेश्वर का क्रोध का कटोरा था, उसके जल जलाहट का कटोरा था, उसके न्याय का कटोरा था. तुझे उसमें से फिर कभी पीना. वाह, क्यों यीशु ने ये सब कुछ सहन किया? कि हमें नग्न होने की जरूरत ना हो, कि हमें परमेश्वर से दूर रहने की जरूरत ना हो, कि पाप का दंड हमारे ऊपर आए नहीं. और इसीलिए यीशु मसीह नाम का अर्थ है बचाने वाला. जीसस क्राइस्ट मीन्स द वन हु सेव्स. यीशु नाम का अर्थ है बचाने वाला, गॉड सेव्स. आपको ये सब नहीं पता, बट इफ यू स्टिल जस्ट हियर द वर्ड जीसस मसीहा, यू विल नो कि कोई है जो आपको बचा सकता है. आपको सब कुछ नहीं पता, यू डोंट नो द बाइबल, यू डोंट नो, यू हैव नेवर, आप यीशु से कभी नहीं मिले, लेकिन अगर आपने नाम सुना है यीशु, दैट मीन्स ही इज द वन हु कैन सेव. एंड जीसस टेक्स अप. लेट मी मूव फॉरवर्ड. दूसरा कुरिन्थी उसका 5:21 कहता है कि वो हमारे लिए पाप बना, ही बिकेम सिन फॉर अस. Christ redeemed us from the curse by of law by becoming a curse for us. वो हमें न्याय के, परमेश्वर जो सच्चा है, न्यायी है, उसे हर एक के ऊपर न्याय करना है, उस न्याय के उस श्राप से हमें बचाने के लिए
यीशु हमारे लिए, वो जो पाप से अज्ञात था, he never knew sin, he was holy, लेकिन उसने हमारे लिए पाप, वो हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। वो हमारे लिए पाप बन गया, यीशु क्रूस पर हमारा पापों को लेकर चढ़ा। उसने कहा मैं अपना जान अनेक लोगों की जिंदगी के फिरौती में देने आया हूं। यू नो ही केम टू डाई फॉर अस, सारे मानव जाति का। बियान कम या अगर मैं ये कहूंगा नहीं, लेकिन जस्ट फॉर एग्जांपल, वियान को हम खड़ा करें, वियान निष्कलंक है, निर्दोष है, कभी कोई गुनाह नहीं किया, उसके मुंह पर देखने से ही समझ में आता है। लेकिन अगर कहूं कि वियान का जान ले लिया जाए मुझे बचाने के लिए, विल यू एग्री? आई एम अ बैड मैन, मैं बुरा इंसान हूं, आपको कहोगे नहीं। अगर हम पांच लोगों को इधर खड़े कर दे और बोल दे वियान का जान ले ले इन पांच लोगों को बचाने के लिए, क्या कहोगे आप? इनका जिंदगी बराबर है? वियान निष्कलंक है, उसने कुछ कभी गुनाह नहीं किया, हम सब गुनहगार हैं, पांचों पांच। अगर दस गुनहगारों को खड़ा कर दे और पूछा जाए कि वियान की जगह पर हम दस गुनहगारों को आजाद करेंगे, इसका जान लेना पड़ेगा, विल यू बी रेडी? नहीं था ना? दस लाख खड़े हो जाए तो इसकी जिंदगी बराबर, दस लाख गुनहगार हैं? नहीं, वो जो पाप से अज्ञात। वाई जीसस लाइफ कैन पे द सिंस ऑफ द वर्ल्ड, क्यों यीशु का जिंदगी हम सारे लोगों के पापों का भरपाई कर सकता है? क्योंकि वो निष्कलंक था। वियान डर गया क्योंकि वो निष्कलंक था, क्योंकि यीशु निष्कलंक था, उसके ऊपर सारे मानव जाति का पाप लादा जा सकता है और सिर्फ वही सारे मानव जाति का पाप ले सकता है। Nobody else can save you। आपके मम्मी पापा भाई बहन चाचा चाची दादा दादी मामा मामी काका काकी फूफा फूफी सब लोग खड़े हो जाएंगे तो अभी आपके जान की फिरौती नहीं दे सकते, बिकॉज दे ऑल सिंड, उन सब ने पाप किया है। कोई धर्म गुरु, कोई धर्म स्थापक, कोई पंडित, कोई पादरी नहीं दे सकता, बिकॉज दे ऑल सिंड। लेकिन यीशु जो पाप से अज्ञात था, गॉड चोज, वो खुद अपने आप को हमारे लिए देता है ताकि न्याय पूरा हो जाए, क्योंकि परमेश्वर कभी अन्यायी नहीं हो सकता। अगर वो सारे पापियों को अपने साथ ले जाए तो गॉड बिकम्स, परमेश्वर को सारे पाप ऐसे आंख बंद करके बोले मैंने देखे नहीं कि मैं ऐसे ही माफ कर दिया, गॉड कैन नॉट फॉरगिव सिंस। परमेश्वर न्यायी है, वो पाप कभी माफ नहीं कर सकता, नेवर, क्योंकि अन्याय अन्याय, he can never forgive sin। तो वो न्याय किसके ऊपर चलना है? was put on Jesus Christ। और इसलिए यीशु से बचा सकता है, for our sake, हमारे कारण उसके ऊपर हमारे पापों को डाल दिया। while he suffered for us, यीशु ने क्या दिखाया? रोमी 5:6-10 तक के वचन की, जब हम असक्षम थे, मसीह यीशु हमारे लिए मारा गया, वो धर्मी हम अधर्मियों के लिए मारा गया, उसने अपना प्यार हमें दिखाया जब हम पापी थे, नॉट व्हेन वी बिकेम गुड, जब हम अच्छे हो जाएंगे और परमेश्वर प्यार करेगा, आप अच्छे अच्छे काम करो और फिर प्रभु आपसे प्यार करेगा, नो, गॉड लव्स यू, यू कैन नॉट सेव योर सेल्फ, यू नीड क्राइस्ट, आपको उद्धारकर्ता की जरूरत है। और जब हम पापी थे उसने हमसे प्यार किया ताकि वो अपने इकलौते बेटे के मृत्यु से हमें अपने साथ जोड़ सके, हमें ला नहीं सकते परमेश्वर के पास, बट जीसस डाइड फॉर अस ताकि वो हमें अपने परमेश्वर के साथ जोड़ सके। दूसरा थेसलोनी 1:9 कहता है, पढ़िए ना सर, 2 Thessalonians 1:9, वे प्रभु के सामने से हाँ और उसकी शक्ति के तेज से जी दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। ये सब में से बचाने के लिए यीशु हमारे लिए पाप बना, वो परमेश्वर के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे, अनंत विनाश। यू नो, जब आप ये नरक के बारे में ऐसा लिखा है, इट इज अ बॉटमलेस पिट, कैसा क्या लिखा है कि उसके नीचे मतलब बॉटम नहीं, उसका तलिया
नहीं है, इट इज बॉटमलेस. क्यों? क्योंकि जब आप पाप में हो और जब आप परमेश्वर से दूर हो तो यू विल डू समथिंग स्टूपिड डेफिनेटली. हाँ या ना? परमेश्वर के शक्ति और तेज, जहां पर परमेश्वर का तेज, जहां पर उसकी महिमा, जहां पर उसकी रोशनी, जहां पर उसका सत्य आपको मिल सकता है, उस जगह से आपने चुन लिया कि नहीं, मैं तो अपने मर्जी में जाने वाला हूं. तो उस हालात में जहां परमेश्वर आपके साथ नहीं है, उसका सत्य आपके साथ नहीं है, उसका न्याय आपके साथ नहीं है, उस हालात में यू विल डेफिनेटली एंड अप डूइंग मोर स्टूपिड थिंग्स. हेलो, और मूर्ख चीजें हम करेंगे. और इसलिए इंसान सिर्फ नीचे और नीचे और नीचे ही जा सकता है. और इसलिए बाइबल कहता है नरक क्या है? इज अ बॉटमलेस पिट. उसका अंत नहीं है. ऐसी बड़ी खाई है, अनंत खाई. लेट मी कम बैक, लेट्स मूव फॉरवर्ड. एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं, क्या दर्द सच में, इज इट रियल? हाँ, इज इट रियल? हाउ मेनी ऑफ यू फील पेन? कभी ना कभी आप ये सारे जो सीन्स मैंने बताए, या यू ऑल हैव गॉन थ्रू इट ना? कहीं ना कहीं वी हैव बीन ब्रोकन, कहीं ना कहीं पीपल हैव डन रॉन्ग टू अस, वी हैव बीन थ्रू पेन. कुछ ऐसे हमारे जिंदगी में चीज़ें हुई जिसका सवाल, जो सवाल का जवाब नहीं है हमारे पास, वी डोंट हैव आंसर्स टू दोज थिंग्स. लेकिन जब आप एक नास्तिक से पूछते हो, इफ़ यू आस्क एन एथिस्ट कि भाई आप नास्तिक हो, हाँ, दर्द क्या है, तो नास्तिक कहेगा कि यार दर्द वर्द तो क्या होता है, आखिर में हम लोग सब वी आर अ बंच ऑफ केमिकल्स. करेक्ट? हम क्या है? क्योंकि किसी ने हमको बनाया नहीं है, हम सब ऐसे केमिकल्स इकट्ठे हो गए और इंसान बन गया. सो वी आर अ बंच ऑफ केमिकल. पेन हैज नो मीनिंग. ये तो है. क्या दर्द? किसका दर्द? क्यों? क्यों एथिस्ट दर्द या पेन या सफरिंग के ऊपर एक आंसर नहीं दे सकता? क्योंकि एथिज्म का जो फंडामेंटल रूल ये है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. एवोल्यूशन जो है उसमें सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. भाई कोई किसी को खा जाएगा, मार देगा, क्योंकि जो ताकतवर है उसको जीना है. दैट इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल. तो दर्द और दर्द में सहनशीलता और कंपैशन, किसी का मदद करना, दिस इज नॉट एन एथिज्म. ये एथिज्म का फंडामेंटल नहीं हो सकता, क्योंकि एथिज्म मानता ही नहीं है कि आप एक इंसान हो. वी आर जस्ट बंच ऑफ केमिकल्स टॉकिंग टू ईच अदर. हेलो, आप समझ रहे हो मेरी बात? वी आर जस्ट बंच ऑफ केमिकल्स. आपका दर्द हो, मेरे मम्मी चले गए, मेरे पापा चले गए और मैं अकेला रह गया, मेरे जिंदगी में ये घटना हो गया. कौन सा घटना भाई? इवोल्यूशन. इवॉल्व हो जाए इसमें से फटाफट. खा जा किसी को, तुझे ऐसा लगता तो ये कर दे, उसने तेरे साथ गलत किया तो तू जाके उसके साथ गलत कर. भाई दिस इज डॉग इट डॉग वर्ल्ड. मारो एक दूसरे को और जी लो, क्योंकि जो ताकतवर है वही सही है और वही जिंदा रहेगा. सो द क्वेश्चन ऑफ पेन, दर्द का जो सवाल है ना, एथिज्म कैन नेवर टेल. क्योंकि एथिज्म ये भी नहीं कह सकता कि भला क्या है, क्योंकि भला और बुरा है ही नहीं. ऐसा एथिज्म कहता है, देयर इज नो राइट एंड रॉन्ग. भला और बुरा है ही नहीं. तो आप कैसे बोल सकते हो कि आपका दर्द बुरा है? बुरा कुछ होना है तो भला कुछ होगा, तब पता चलेगा कि ये बुरा है. हाँ या ना? इफ देर इज, इफ टू टेल दैट समथिंग इज ईविल, यू मस्ट फर्स्ट नो दैट देर इज समथिंग एज कॉल्ड एज गुड. अगर भला क्या है वही हम बोलते नहीं, भला ऐसा कोई है नहीं, वी आर जस्ट बंच ऑफ केमिकल्स. तो किसके बेसिस, किसके फीलिंग के बेसिस पर आप डिसीजन लोगे? हिटलर कहेगा कि मेरे को मारना है लोगों को, तो मारो. कोई कहेगा मुझे बचाना है, तो बचाओ. लेकिन कौन सही है कौन गलत है ये बोल नहीं सकता. हिटलर सोचता है वैसा वो करेगा, नास्तिक जो सोचता है वैसा वो करेगा. वो किसी को कह नहीं सकता कि ये सही है ये गलत है, बिकॉज अल्टीमेटली सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. इवॉल्व, इस सबके अंदर से आपको इवॉल्व हो जाना है. कुछ लोगों के लिए आपका दर्द इल्यूजन है, माया है. भाई दर्द करके कुछ नहीं है. न तू जी रहा है, न मैं जिंदा हूं. न तू सच है, न मैं सच हूं. हम माया में हैं. ये एक सपना है और आप इधर सपने में बैठकर आप देख रहे हो और आप इस सपने में ये चीज सुन रहे हो और मैं सपने में ये चीज बोल रहा हूं. देयर इज नो पेन. दर्द कर कुछ है ही नहीं, क्योंकि सब कुछ माया है.
सब कुछ माया, हम किसी के सपने के अंदर है, इनफैक्ट हमारा अस्तित्व है ही नहीं। नहीं भैया, लेकिन मेरा दिल टूट गया जब वो लड़की ने मेरा दिल तोड़ दिया। अरे कौन सा टूटा, कैसा टूटा, कौन सी लड़की, सब माया है। उसने मुझसे दगा किया, विश्वास योग्यता नहीं दिखाया उसने, किसी ने मेरे साथ बुरा किया, मेरे साथ दगा किया, मैंने भरोसा किया था और मैंने कहा ये, और उसने नहीं किया ऐसा, एंड माई हार्ट इज ब्रोकन। अरे कौन सा दिल, ये दिल नाम का चीज क्या होता है। लेकिन आपको नहीं पता मैं कितना रोई हूं, कितने सारे पिलो कवर मेरे भिगो दिए मैंने रो रो कर। कौन सा पिलो कवर, सब कुछ माया है, सच में पिलो है ही नहीं और सच में तेरे आंसू है ही नहीं। तू क्योंकि संसार में बंधी हुई है, बंधा हुआ है, इसलिए तुझे ये सब दिख रहा है, इसमें से मुक्त हो जा। कुछ लोगों के लिए भाई तेरा कर्म है, ये क्या है, ये तेरा कर्म है, इसमें से बाहर आने का सोचना ही मत, तू रोते रहे। अगर तूने कुछ कोशिश किया तेरे आंसू पोंछने का, तो जितना तुझे रोना था उतना नहीं रोया, इसलिए अगले जन्म में वापस आना पड़ेगा बाकी का रोने के लिए, क्योंकि कर्म का फल तुझे पूरा भुगतना पड़ेगा। इसके लिए डोंट स्टॉप क्राइंग, रोते रहो, दर्द झेलते रहो। जो लिखा है किस्मत में, जिंदगी जहर है तो पीना ही पड़ेगा, तो पीते रहो। कुछ पति पत्नी लोग एक दूसरे को देख के मुस्कुरा रहे, पिला पिला और जहर पिला। Think about it. Your pain, आपका दर्द, आप कैसे बोल सकते हो? You will never say, आप कभी ये नहीं बोल पाओगे मैं यीशु के साथ क्रूस पे चढ़ा। हेलो, कुछ लोगों के लिए आपका दर्द और आपका दुख और आपका कष्ट का कोई मकसद नहीं है। ये जिंदगी में अब करोड़ों साल के बाद ये साइकिल फिर से आएगा, ये पास्टर यहीं पे खड़े होंगे और आप वहीं पे बैठे होंगे और आप यही सुन रहे होंगे, यही शब्द वो बोलने वाले हैं, और ये ऐसे चलता रहेगा। युग आएंगे फिर बदल जाएगा, फिर युग आएगा फिर बदल जाएगा, फिर यही सेम चक्र चलता 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 रहेगा, और ये सारा दुख आप भुगतते रहोगे। बी हैप्पी। लेट मी मूव फॉरवर्ड। Where is God in my pain? प्रभु मेरे दर्द में तू कहाँ है, कुछ लोगों का सवाल है। Some people ask, Where is God? कहाँ था वो जब मेरे साथ ऐसा हुआ, जब मेरे साथ ये था, परमेश्वर कहाँ था? Where is God? पास्टर आप बोल रहे हो सब सही है, लेकिन Where is God? And I want to show you, Jesus was on the cross. यीशु क्रूस पर था। He came, वो पृथ्वी पर इसलिए आया ताकि हमारे दर्द को उठा सके। He went on the cross. मानव जाति का सबसे भयानक दर्द जो हो सकता है वो क्रूश है, और उस भयानक क्रूश को उसने उठाया टू शो कि ये क्रूश का दर्द मैंने तेरे लिए सहा, इससे बड़ा अनंत क्रूश का दर्द मैंने तेरे लिए उठा लिया। हेलो, जिंदगी का दर्द तो ठीक है भाई, अनंतता का दर्द का क्या है? जब तू परमेश्वर से अगर दूर हो जाए, तेरा तुझे माफी ना मिले, तू तेरे पाप माफ ना किए गए हो, और तुझे अनंतता अंधकार में रहना पड़े, तुझे परमेश्वर से सत्य से प्रेम से दूर रहना पड़े, व्हाट काइंड ऑफ हेल इज दैट? उस अनंत नर्क से कौन बचाएगा, उस अनंत दर्द से कौन बचाएगा? मैं क्रूस पर तेरे लिए हूं। आई केम टू बी ऑन द क्रॉस। हेलो, आप मेरे साथ हो? तू कहां है खुदा? क्या तू सिर्फ देखता है? आर यू जस्ट लुकिंग एट इट? कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं नहीं, परमेश्वर मुझे दर्द में रखना चाहता है, उसे मजा आता है, सम काइंड ऑफ अ सैडिस्ट, उसको बहुत मजा आता है जब मैं दर्द में रहूं, वो खाली बाहर बैठकर देखता है, वो अंदर कुछ नहीं करता, वो क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वर है, क्या है वो, ना 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 ना, गिव मी द हिंदी वर्ड, वो सिर्फ देखता है, दर्शक है वो, इज जस्ट वॉचिंग एवरीथिंग गो हैपन। इज गॉड लाइक दैट? क्या परमेश्वर तू जानता है व्हाट आई एम गोइंग थ्रू टुडे? आज मैं जिस दर्द से होकर, कोई नहीं जान सकता, क्या तू समझ सकता है? कैन यू अंडरस्टैंड द पेन दैट आई एम गोइंग थ्रू?
Does God really care about what I'm going through? क्या मेरे दर्द का कोई मतलब, is there any value to my pain? मैं ये दर्द सहन कर रहा हूं, मैं कौन हूं, मैं कुछ नहीं हूं, तो मेरा दर्द का क्या कोई वैल्यू है परमेश्वर के सामने? Where is God? Where is God in my pain? He has not left you alone. You're not alone. उसने आपको अकेला नहीं छोड़ दिया. He went through loneliness. वो loneliness से होकर गया ताकि आप कभी भी अकेले ना हो. यीशु ने कहा मैं तुम्हें कभी अकेला छोड़ूंगा नहीं. God went through loneliness. He went through that pain. और मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि क्रूश में वो ताकत है दैट इट विल टेक दैट लोनलीनेस आउट ऑफ योर लाइफ. आपके जिंदगी से वो एकांतता जहां आपको लग रहा है कि आप अकेले इस दर्द में से होकर गुजर रहे हो. आई वॉन्ट टू शो यू दैट क्रॉस हैज द पावर टू ब्रेक दैट लोनलीनेस इन योर लाइफ. कि आप अकेले नहीं हो. जीसस इज विथ यू. वो आपके साथ उस दर्द को उठाने के लिए वो तैयार है. क्यों? क्योंकि वो खुद उस दर्द से होकर गया. वो खुद उस अकेलेपन से होकर गया जब सब लोगों ने उसे छोड़ दिया. जब जिन लोगों ने उस पर भरोसा किया था वो लोग छोड़कर चले गए. जब उसे ऐसा उसे उसके हाथ में सारी ताकत थी कि वो सब कुछ बदल सके लेकिन ही स्टिल चोज नॉट टू डू. ताकि हमें वो समझ सके कि हम जब ताकत नहीं रखते, व्हेन वी हम कुछ करना चाहते हैं, हम किसी की जिंदगी बचाना चाहते हैं, हम किसी को बचा लेना चाहते हैं, वी आर नॉट एबल टू डू दैट एंड वी थिंक गॉड व्हाई यू आर नॉट हेल्पिंग मी. क्यों आप मेरी मदद नहीं कर रहे हो? God knows what you feel, what you go through. Because उसके हाथ में सारा ताकत था, yet he gave it. ताकि वो मेरे और आपके दर्द को सहन कर सके. ताकि मेरे और आपके दर्द में वो शामिल हो सके. हेलो. ताकि वो मेरे और आपके आंसुओं में शामिल हो सके. ताकि मेरे और आपके रुदन में वो शामिल हो सके. He took it on himself. He took that pain. He knows exactly what pain is and what suffering is and how it feels. इब्रानी के पत्री 4:15-16 कहता है कि हमारा ऐसा एक महायाजक नहीं है जो हमारे दुख और दर्द को समझ सकता नहीं है. लेकिन ही somebody who understand my pain, जो मेरे दर्द को समझता है कि जब मुझे अकेला छोड़ दिया जाए, जब मैं निस्सहाय हो जाता हूं, जब मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं, वेर इज गॉड? ही इज विथ यू. शद्रक मेशक और अबेदनगो को आग में डाले गए, ही वॉज देयर. पॉलीकार्प ने जब कहा, ही वॉज देयर विथ हिम जब उसे आग में डाला गया. पौलुस का सर धड़ से अलग कर दिया गया. गॉड वॉज विथ हिम. और वो कहता है कि मैं क्रूस पर, आई एम क्रूसिफाइड विथ क्राइस्ट. आई एम क्रूसिफाइड. मैं ऑलरेडी क्रूस पर चढ़ चुका हूं, अब क्या तुम मारने वाले हो मुझे? हेलो. सी द पावर ऑफ द क्रॉस. अब तुम क्या मुझे मारने वाले हो? क्योंकि मैं ऑलरेडी क्रूस पर चढ़ चुका हूं. मैं क्रूस पर चढ़ चुका हूं. यू कैनॉट डू एनीथिंग वर्स टू मी. तुम मुझे अब और कुछ बुरा नहीं कर सकते. यू कैन डू नथिंग बैड टू मी. जिंदगी तुम मुझसे और कुछ बुरा, मेरे जीवन में और कुछ बुरा नहीं कर सकता. बिकॉज आई गॉट द क्रॉस. आई बीन ऑन द क्रॉस. मैं क्रूस पर चढ़ाया गया हूं. मैं क्रूस पर चढ़ चुका हूं. हेलो. एंड द क्रॉस हैज द पावर टू टर्न द टेबल्स अराउंड. वेयर इज गॉड? He's not taken by surprise. ऐसा नहीं है कि परमेश्वर को आपके दर्द के बारे में पता नहीं. अचानक आपके जिंदगी में कुछ हो, भैया सब सही चल रहा था और एकदम से एक दिन बूम, समथिंग बैड हैपेंड इन माय लाइफ. गॉड इज नेवर टेकन बाय सरप्राइज. गॉड नोज. प्रकाशित वाक्य 13 यूहन्ना 3:17 पढ़िए ना सर, क्या लिखा है? यूहन्ना 3:17 पढ़िए. गॉड नोज क्या लिखा है. जी, परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए जगत में नहीं भेजा कि जगत को दंड, जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार. He gave his son so that we can live. तो परमेश्वर के लिए कोई सरप्राइज नहीं है. He knew, he knows what you will go through, he understands what you're going through, and he is with you in your pain. वो आपके साथ उस दर्द में है. Let me go to the next one. परमेश्वर कभी भी आपके दर्द को वेस्ट में नहीं कर देगा. That's the power of the cross. हाँ,
व्हाट इज द पावर ऑफ द क्रॉस? जॉन क्लॉड के बारे में हमने पढ़ा, हिज पेन वॉज रियल, उसका दर्द सही था, उसके माँ बाप को उसके सामने मार, इनफैक्ट उसकी माँ को मारा गया और बच जाती है, एंड शी बिकम्स अ मेंटल पेशेंट, मानसिक एक पेशेंट बन जाती है, और वो जॉन क्लॉड उन्हीं लोगों के बच्चों को पाल रहा है. कैन यू सी, कैन यू सी हाउ लाइफ वॉज चेंज अराउंड? कैसे क्रूस ने ताकत दिया उसको अपने दुश्मनों से प्यार करने के लिए, कैसे उसका दर्द वेस्ट में नहीं गया. हेलो, वो आंसू उसने बहाया उसके पापा को उसके सामने मरते तड़पते हुए, लोग मार डालते हुए, नहीं, सॉ दैट, बट हिज पेन वॉज नॉट वेस्टेड. कई बार हम सोचते हैं कि प्रभु ये दर्द क्यों दे रहे हो मेरे जीवन में, ऐसा क्यों मेरे जीवन में हुआ, ऐसे परेशानी से मैं क्यों होकर, मेरे जिंदगी से इन लोगों को क्यों आपने उठा लिया, क्यों छीन लिया इन लोगों को मेरे जीवन में, इसका इससे आपको क्या मजा आता है, आप क्यों नहीं समझ पा रहे हो कि मेरा जिंदगी कितना डिपेंडेंट था उनके ऊपर, मेरे जीवन में ये कितना जरूरी था, आपने क्यों ले लिया, क्यों छीन लिया. व्हेन वी हैव ऑल दोस क्वेश्चंस, रोमियो का पत्री 8 उसका 28, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर, हेलो, डोंट फॉरगेट दैट, मिलकर, दैट इज व्हाट वी हैव टू बी. मिलने में टाइम लगता है, हेलो, मिलने में, कभी मिलाया आपने? हाँ, पानी में शक्कर मिलाया, नींबू में, नींबू पानी में शक्कर, टेक्स टाइम, बट लेकिन सब बातें मिलकर क्या होती है, भलाई के लिए. गॉड विल टर्न ऑल दोस थिंग्स. आपका दर्द इज टेरिबल, आपका दुख सही है, जीसस अंडरस्टैंड्स योर पेन, वो आपके साथ उस दर्द में जुड़ता है, वो आपके साथ उस दर्द में है, और साथ में वो कहता है कि ये कितना भी बुरा क्यों ना हो, आई कैन टर्न इट अराउंड, सब बातें भलाई में मैं बदलूंगा. लेकिन नहीं पास्टर, आप नहीं समझ रहे हो मेरे जीवन में क्या हुआ. कैन यू ट्रस्ट हिम, क्या आप उस पर विश्वास कर सकते हो? कैन यू गिव हिम टाइम? अभी वो मिला रहा है, और एक दिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप वापस देखोगे और आप कहोगे कि प्रभु जी उस दर्द के लिए धन्यवाद, क्योंकि उस दर्द के वजह से मैं जाना कि तू कितना भला है, मैंने जाना कि तू कितना सामर्थ्य है, मैंने जाना कि क्रूस में क्या ताकत है, कि क्रूस में क्या प्यार है. आज आप कह रहे होंगे कि मैं ये दर्द को एक क्षण और नहीं उठा सकता हूं, लेकिन यीशु कहता है सब बातें भलाई के लिए मिलकर. पढ़िए ना सर. हाँ, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करते हैं. जी, अर्थात हाँ, के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं, जो उसके इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं. दूसरी बात जो मैं बताना चाहता हूं दर्द के बारे में, व्हाट क्रॉस गिव्स अस, यू नो, क्रूस की कहानी क्रूस के उस दर्द से खत्म नहीं हो जाती. 3 दिन बाद जीसस रोज अप फ्रॉम द डेड. It tells us, और ये कहानी और ये बात, ये घटना हमको ये बताती है कि ये दर्द हमेशा नहीं रहेगा. It will go. One day it will be gone. आपका दर्द बहुत दुखदायक है, आपका दर्द बहुत व्यथा में आपको डालता है, आपको लाचार कर देता है, आपको निराश कर देता है, आपको डिप्रेस कर देता है, लेकिन there is a day when it will be gone. There is a day when it will be gone. It is not going to be forever. यह हमेशा नहीं चलेगा. रोमी 8 और उसका 18 क्या कहता है? क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हमें हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है. इस समय जो भी दुख, जो भी क्लेश, जो भी परेशानी से मुझे होकर जाना पड़े, आई नो कि उस समय जब वो महिमा के सामने मैं खड़ा रहूंगा, इस समय का दुख कुछ भी नहीं है. हेलो, आज सुबह क्रूस कहता है तेरा दुख सही है, तेरा दुख वाजिब है, तेरा दुख मैं अंगीकार करता हूं, तेरे दुख में मैं सहभागी होता हूं, तेरे दुख में मैं तेरे लिए लड़ूंगा, तेरे सबसे बड़े दुख से तुझे बचाने के लिए मैं वो कटोरा पीऊंगा, ताकि तेरा सबसे बड़ा दुख मैं उठा लूं. और एक दिन वो दुख हमेशा के लिए चला जाएगा. आमेन. यीशु क्या कहता है? क्रूस क्या हमको दिखाता है? बाइबल कहता है प्रकाशित वाक्य 21:4 की एक उस दिन वो अपने हाथों से हमारे सारे आंसुओं को, वह उनकी आंखों से सब आंसू पोछ डालेगा
और इसके बाद मृत्यु न रहेगी. There will be no more death. प्रभु यीशु, he went through that cross to tell us that there will be no more death. अब कोई मृत्यु आपको आपके प्यारों से अलग नहीं करेगा. अब कोई मृत्यु आपको आपको आपकी जिंदगी से ऐसा कुछ तबाह नहीं कर पाएगा. देयर विल द डेथ हैज लॉस्ट इट्स पावर. उस मृत्यु का जो ताकत है वो खत्म हो गया है. न मृत्यु रहेगी, न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी. पहली बातें जाती रहेगी. एंड दैट इज द ग्लोरियस होप ऑफ क्रॉस. क्रूश का जो ताकत है दर्द को सामना करने का, दर्द के ऊपर विजय प्राप्त करने का, इज दिस. सोच कर देखिए कि अनंतता, यू नो अनंतता, इटर्निटी इज अ बिग नंबर. पर ऐसे ही कल्पना के लिए मैंने कुछ नंबर्स नीचे डाल दिए. मान लीजिए कि आप इतने साल रहने वाले हो. इटर्निटी मतलब इतना. ऑल राइट, कितना है थोड़ा गिन लीजिए. हाँ, कितने करोड़ है? नहीं, कितने? हाँ, चलेगा. जिलियन, मे बी इट इज जिलियन, आई डोंट नो. बट 1073449935983299947 ईयर्स है इटर्निटी. ऐसा मान लो इतना नहीं है, इट इज स्टिल, बट लेट्स से दैट. ये कोरोना के टाइम पे इंजेक्शन लगाने के लिए आप जाते थे ना, तो बड़ा जोरदार सीन होता था. बड़ा जोरदार सीन. कुछ लोगों ने तो इतना डरते, ना मारता. बड़े बड़े लोगों को मैंने रोते हुए देखा. ना प्लीज, क्योंकि उनको जिंदगी में कभी सुई नहीं लगी. टैबलेट से सांप काम चला लेते थे, लेकिन अब तो इसमें तो टैबलेट नहीं है, इसमें तो सुई ठोकना ही पड़ेगा. और वहां पे हंस रहे है वो नर्सेस, हंस रहे है. अरे कहीं नहीं साहब, आटला मोटा थे क्या? तमें कम घबरा जो आपड़ी बोल. मैंने देखा मेरे आगे थे जबरदस्त पहलवान इंसान, लेकिन इतना डर लग रहा है. बोले ना. और वो लड़कियां इतना खड़खड़ 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 करके हंस रहे है, क्योंकि वो छोटा सा दर्द सहन करना इतना मुश्किल था. नो प्लीज, चिल्ला रहे मम्मी, पकड़ रहे किसी का, ये पकड़ रहे. अरे क्या क्या तोड़ दिया लोगों ने. सुई पर जितने लोगों ने सुई खाई, उनको आज वो सुई का दर्द याद नहीं है. भूल गए, आया ना, दे फॉरगॉट. हम सबको सुई लगाई, याद है आपको उस दिन कैसा था दर्द? डू यू रिमेंबर दैट? डू यू रिमेंबर? एनीबडी रिमेंबर्स कि हाँ भैया उस दिन तो आज भी रात को मैं सोच के, रात को नींद में से जाग कर उठती हूँ कि आज सुई मेरे को ऐसे नाइटमेयर्स आते हैं. नो बडी, एवरीबडी फॉरगॉट. करेक्ट, कहा किसने? वो नर्स का मुंह याद है आपको जिसने लगाया? वो भी याद नहीं. वो साइन जिनके सामने आपने किया, जिनको आपने मोबाइल दिखाया, नंबर दिखाया, ओटीपी दिया, कोई याद? लाइन में खड़े थे थोड़ा याद है. थोड़ा सा दर्द. जब आप उस महिमा को पाते हो, इट मेक्स यू फॉरगेट इट. हेलो, एंड ऑल दिस लाइफ, ये जिंदगी में जितने प्रॉब्लम्स और क्लेश और परेशानी और तकलीफ में से आप जा रहे हो ना, ये नंबर के सामने विल बी नथिंग. उस सुई के समान यू विल फॉरगेट एवरीथिंग. यू जस्ट फॉरगेट एवरीथिंग. वो कौन सा सवाल, वो क्या, क्यों, कहाँ थे आप, क्यों नहीं आए, आपने क्या मेरे आंसू देखे, इट विल ऑल बी गॉन उस अनंतता के सामने. एंड दैट इज द पावर ऑफ द क्रॉस. क्रूश का वो ताकत है. परमेश्वर के साथ अनंतता रहोगे आप, एंड ऑल दिस पेन विल बी गॉन. एंड गॉड प्रोमिसेस. यीशु क्रूश में से इसीलिए होकर गुजरा ताकि हमें अनंतता दे सके, हमको अनंत जीवन दे सके. ऑल दिस लाइफ कि इस पृथ्वी की जिंदगी. इसलिए पौलुस कहता है कि इस क्षण भर के दुख उस अनंत महिमा के सामने इज नथिंग. और इसलिए वो तैयार हो गया अपना गला देने के लिए कि लो मार लो और काट लो. मसीह यीशु के प्यार से क्या हमें अलग कर सकता है? भुखमरी, नग्नता, तलवार, ताकत, ऊंचाई, गहराई, स्वर्गदूत, दुष्ट आत्मा. व्हाट कैन सेपरेट अस फ्रॉम द लव ऑफ गॉड? प्रभु यीशु के प्यार से क्या अलग कर सकता है? एंड जीसस चोज दैट क्रॉस, एंड दैट क्रॉस हैज द पावर टू चेंज. Yeah. उन्होंने हंसते हंसते मौत को अपने ऊपर ले लिया. क्यों?
क्योंकि उनको पता था एक अनंतता उनके सामने है। वट एवर पेन कम्स इन योर लाइफ, मेरे भाई मेरी बहन जो मुझे सुन रहे हो, इफ यू अंडरस्टैंड द क्रॉस एंड इफ यू लव द क्रॉस, कोई दर्द उसके सामने खड़ा नहीं रह पाएगा। द क्रॉस गिव्स अस द पावर टू लुक एट सफरिंग एंड पेन इन इट्स आई एंड नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ इट। क्रूश आपको ताकत देती है हर मुसीबत का सामना आप कर सको, उसकी आंखों में आंखें डालकर आप कह सको कि मैं जानता हूं मैंने किस पे विश्वास किया है। हर दर्द क्रूश पर थमता है। द क्रॉस एंड्स एवरी इनजस्टिस एंड नीड फॉर रिवेंज। क्रूश को अगर आप समझोगे देन देयर विल बी नो मोर रिवेंज। आप कभी बदला लेना नहीं चाहोगे। जॉन क्लॉड बदला ले सकता था बट ही चोज टू फॉरगिव। उसके पिता को मारने वाले के अनाथ बच्चे को उसने ही चोज टू फॉरगिव। बिकॉज एट द क्रॉस आप देखते हो कि कैसे पावन पवित्र परमेश्वर पापी के लिए मर गया। ही डाइड फॉर मी ऑन द क्रॉस। आई हैव नो नीड, नो मोर रिवेंज इज रिक्वायर्ड, क्योंकि मैं सबसे बड़ा पापी हूं। जब मैं क्रूश को देखता हूं, जब मैं क्रूश को देखता हूं मेरे को पता चलता है कि सबसे बड़ा पापी मैं हूं, क्योंकि मेरे पापों ने यीशु को जो निष्कलंक था उसे क्रूश पर चढ़ाया, मेरे पाप उसके ऊपर लादे गए। मैं क्या बदला लूंगा। ही गेव हिमसेल्फ। एवरीथिंग विल स्टॉप, द नीड फॉर रिवेंज स्टॉप्स ऑन द क्रॉस। अपने दुश्मनों से प्यार करो। क्यों यह असंभव बात संभव हो सकता है? क्योंकि हमने अगर क्रूश को देखा है तो, आपने जब क्रूश को देखा है, इट विल हेल्प यू टू विन ओवर दैट पेन इन योर लाइफ। द क्रॉस सेट्स अस फ्री। व्हाई, व्हाई गॉड, व्हाई डिड यू डू दिस इन माय लाइफ? व्हेन विल दिस मूव? प्रभु ये कब खत्म हो जाएगा, कब ये पूरा होगा? व्हाट हैपेंस टू मी नाउ? अब मेरे साथ क्या होगा, अब कैसे होगा, हाउ, वेयर? ऑल दिस क्वेश्चंस विल नो लॉन्गर मैटर व्हेन यू कम टू द क्रॉस, व्हेन यू अंडरस्टैंड द क्रॉस। क्रॉस इतना दर्द से भरा हुआ चीज, आपके दर्द का मरहम है। हेलो, मेरे साथ हो आप? यू नो इज़राइल जब रेगिस्तान से जा रहे थे मिस्र से होकर, तो यू नो उन्होंने बहुत सारे गड़बड़ काम किए। उन्होंने मूर्तियां बनाई, वो देवी देवताओं के पीछे भाग गए और वहां पर परमेश्वर उनसे पक जाता है। परमेश्वर एक जाति को लेकर जा रहा है दूध और शहद बहने वाले देश में, यू नो बी विथ मी। और उस रास्ते में ये लोग बोलते कि नहीं हम थक गए, वो जगह परमेश्वर कभी देगा नहीं, ये तो ऐसे हवा में बात है, ये तो जुमला है, ये कभी हो नहीं सकता। एंड दे स्टार्टेड डूइंग ईविल थिंग्स। और क्या होने लगता है? गॉड वॉज सो टायर्ड एंड फायरी सर्पेंट्स कम एंड डिस्ट्रॉय देम, काटने लगते। और परमेश्वर मूसा से कहता है कि एक काम कर, एक सर्प को बना। व्हाट इज द सॉल्यूशन? गॉड डज, यू नो मूसा आता है, जब इनको सब सर्प काटता है ना, डसता है, तो मूसा से आके कहता है कि प्लीज जाओ प्रभु से कहो कि हमें माफ कर दो, प्लीज हमें माफ कर दे। और मोसेस परमेश्वर के पास जाता है और परमेश्वर जब आंसर सॉल्यूशन देता, वो ये नहीं कहता कि चलो चलो सर्प गए, नो, इसे एक सर्प बनाओ और उस सर्प को एक खंभे के ऊपर लटकाओ, जो भी उस खंभे में सर्प को देखेगा वो क्या हो जाएगा? वो ठीक हो जाएगा। ये खंभे के ऊपर सर्प जो है मेडिकल साइंस का चिन्ह है, यू नो ऑल डॉक्टर्स, कोई भी मेडिकल कॉलेज, मेडिकल साइंस का चिन्ह है, बिकॉज इट शोज हीलिंग, इट शोज हीलिंग। क्योंकि जिन लोगों को सर्प ने डसा, उन लोगों ने उस खंबे को देखा, उस सर्प खंबे पे लटका हुआ सर्प को देखा, एंड दे वेर हील्ड। आप सोचेंगे सर्प को क्यों चढ़ा दिया? क्योंकि उस सर्प पाप का प्रतीक है। यीशु हमारे लिए पाप बन गया। यीशु ने कहा जब मैं उठा लिया जाऊंगा मैं सबों को अपने ओर आकर्षित करूंगा। हेलो मेरे साथ हो आप? आई विल ड्रॉ ऑल मैन अन टू मी इफ आई बी लिफ्टेड अप। इट इज थ्रू द क्रॉस गॉड ब्रॉट रिडेम्पशन टू द वर्ल्ड। जीसस बिकेम सिन फॉर अस। वो हमारे लिए पाप बन गया। एंड ही सेड दैट एंड आई वॉन्ट टू गिव यू अ स्मॉल एग्जाम्पल। यू नो हमारे एथलीट्स, रेसलर्स जंतर मंतर पर बैठकर बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं। द क्वेश्चन आई वॉन्ट टू आस्क यू, उनका दर्द सही है? सम ऑफ देम वेंट थ्रू सम टेरिबल थिंग्स, दे ब्रोकन इन साइड, लेकिन हु टॉट देम टू फाइट इट?
हु टॉट देम कि वहां बैठो धरने पर, वो जाने या नहीं जाने, दिस इज कमिंग फ्रॉम द बाइबल. ये विचार बाइबल के अंदर का है. दिस इज द बाइबल विच दे आर लिविंग आउट, दे डोंट नो. बट हु टॉट देम टू सिट देयर टू सफर, टू से कि नहीं हमारे में से हमारे लोगों को साथ ऐसा हुआ, एंड वी आर प्रोटेस्टिंग, वी आर फाइट, यू नो दे आर रेसलर्स. और पुलिस वालों ने धक्का मार दिया, अरे ये रेसलर्स उठा उठा के फेंक सकते हैं कितने पुलिस वालों को, बट दे उन्होंने अपनी ताकत नहीं लड़ी. दे जस्ट सैट देयर टेकिंग अप द क्रॉस, उन्होंने क्रूस उठाया. आई डोंट नो, आई होप कि वो इस क्रूस पर चढ़े हुए यीशु को जाने. Because which who will tell you in the world? दुनिया में कौन कहेगा कि शांति से प्रोटेस्ट करो? क्योंकि जब आपके साथ कुछ गलत होता है तो यू ऑलवेज वॉन्ट टू फाइट, हाँ या ना? यू ऑलवेज वॉन्ट टू बीट, यू ऑलवेज क्राई फॉर, यू शाउट इनजस्टिस एंड यू वॉन्ट टू हैव जस्टिस मेट. आपके दुश्मनों को खत्म कर देना चाहते हो आप. Nobody has silent protest. This is the Bible lived out. And I really pray for our country and for those wrestlers. Polycarp, और मैंने दूसरे लोगों के बारे में बताया जो उस बड़े कोलोसियम के अंदर खड़े थे जहां पर लोगों को मार डाला जाता था. They stood there. They said, please kill us, but don't kill these people. और वो सारे कोलोसियम के गेम्स बंद हो गए. वो सब लोगों ने क्या किया? They stopped. तलवारों की ताकतों को खत्म कर दिया, भालों के नोक को खत्म कर दिया, एवरीथिंग दे स्टॉप्ड. वाई? बिकॉज क्रॉस गेव देम द पावर. क्रूस ने ताकत दिया दर्द के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए. आज सुबह जब हम प्रभु के मेज की तरफ आए, आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड वॉट द क्रॉस हैज डन फॉर अस. प्रभु के क्रूस ने हमारे लिए क्या कमाया, मैं चाहता हूं आप समझें. जिस रात को यीशु को पकड़वाया गया था, उसने रोटी लिया, तोड़ा, उसने कहा यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए दिया जा रहा है. यीशु हमें ताकत दे रहा था, यीशु अपने आप को दे रहा था हमारे लिए. ही वॉज गिविंग हिमसेल्फ फॉर अस. उसने कहा दिस इज माई बॉडी, ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए दिया जा रहा है. रोटी के बाद उसने कटोरा लिया और उसने कहा ये मेरे लहू में नई वाचा है. दिस इज अ न्यू कवेनेंट इन माई ब्लड, एक वाचा. आई वॉन्ट टू मेक अ प्रॉमिस टू यू, मेरे लहू से मैं वाचा बांध रहा हूँ कि मैं तुझे अकेला छोड़ूंगा नहीं, मैं तेरे साथ हूँ. तेरे आग में, सिंहों के मांद में मैं तेरे साथ हूँ. तेरे दुख में, तेरे तकलीफ में, तेरे क्लेश में, आई नो वॉट इट फील्स. तेरे जूते में खड़े रहकर अनुभव करना क्या है, मैं जानता हूँ. आई अंडरस्टैंड योर पेन, आई अंडरस्टैंड योर सफरिंग. मैं जानता हूँ कि तू किस हालात में से है होकर गुजर रहा है. क्रूस की कहानी हालेलुया उस कब्र पे ख़त्म नहीं हो जाती. तीन दिन बाद यीशु मुर्दों से जी उठता है. हालेलुया. एंड दैट इज द पावर ऑफ द क्रॉस. हालेलुया. कई बार परमेश्वर हमारा उद्धार हमारे दर्द के द्वारा लेकर आता है. यीशु क्रूस पर चढ़ गया ताकि उस क्रूस के दर्द के द्वारा वो हमें उद्धार दे सके. दर्द से मत डरिए, दर्द का मुकाबला करिए, दर्द का सामना करिए. जब उस सर्प को उठाया गया, परमेश्वर इज़राइल से कह रहा था जो खौफ है तेरा उस खौफ के आंखों में आंखें डालकर देख. डर मत कि क्या कल होने वाला है, डर मत कि ये छोड़कर चले गए तो अब क्या होगा, डर मत कि मेरा भविष्य क्या होगा, डर मत कि अब मैं कैसे जीऊंगा, डर मत कि कौन अब मेरे लिए है. उस रेगिस्तान में उस क्रूस को उठाया, परमेश्वर इज़राइल को कह रहा था तेरे खौफ की आंखों में आंख डालकर देख ले, क्योंकि मैं विजय से बढ़कर हूं. हालेलुया. क्योंकि मैंने क्रूस पर विजय प्राप्त किया है. आज परमेश्वर हमसे कह रहा है जब हम इस रोटी को तोड़ रहे हैं और जब हम इस रोटी में से भाग ले रहे हैं, परमेश्वर हमसे कह रहा है डोंट बी अफ्रेड, डरो मत. हालेलुया. कौन इस रोटी में से भाग ले सकता है? जिन्होंने मन फिराया, यीशु को ग्रहण किया है और जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, यीशु को अपना उद्धारकर्ता माना है, वे लोग इसमें से भाग ले. अगर आप भाग ले रहे हैं तो प्लीज अपने जगह पर खड़े हो जाएंगे. ब्रदर्स विलकम आप. हालेलुया और हालेलुया, मेरी मदद करेंगे. हालेलुया. अगर आपने मन फिराया है, यीशु को अपना उद्धारकर्ता माना है, और अगर आपने बपतिस्मा लिया है, देन प्लीज टेक पार्ट इन इट. हालेलुया. क्योंकि ये यीशु का शरीर है. दिस इज द बॉडी ऑफ क्राइस्ट विच इज ब्रोकन फॉर अस, जो हमारे लिए तोड़ा गया है. आज सुबह गॉड इज टॉकिंग टू यू. परमेश्वर आपसे बात कर रहा है. ही स्पीकिंग टू अस. क्या हम उस क्रूस की ओर अपने ध्यान को ले जा सकते हैं? हालेलुया.
क्या हम उस क्रूस के और अपने ध्यान को ले जा सकते हैं। हालेलुया। जिस रात को यीशु को पकड़वाया गया था, उसने रोटी लिया, धन्यवाद दिया और तोड़ा और कहा, ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए तोड़ा जा रहा है। जब हम सब प्रार्थना कर रहे हैं, अपने ध्यान को क्रूस की ओर लगा रहे हैं, मैं चाहता हूं दीपक भाई प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। आइए हम हमारे मनों को परमेश्वर की ओर लगाएं। प्रभु धन्यवाद पिता। प्रभु जी हम इस समय प्रभु आपकी मेज के सामने प्रभु हालेलुया हम हमारे मन को प्रभु आपकी ओर लगाते हैं। प्रभु हम प्रभु जी जानते हैं पिता की प्रभु क्या दर्द आपने सहा। प्रभु किस तरह प्रभु जी लोगों ने हमारे पापों के खातिर प्रभु आपका मजाक उड़ाया। प्रभु हालेलुया। प्रभु किस तरह लोगों ने आपके ऊपर थूका। प्रभु आपके बाल नोचे पिता। प्रभु हम हमारे हृदय को जांचे। प्रभु हमारे प्रभु जी मन के उन कोनों में प्रभु यदि कोई भी ऐसी बात प्रभु जो प्रभु जी हालेलुया आपको फिर से प्रभु उस क्रूस की ओर ले जाता है, तो प्रभु आज हम प्रभु जी अपने आप को प्रभु आपके सम्मुख रखें पिता। हालेलुया। प्रभु हमारे हृदय की सारी मलिनताओं को प्रभु हम प्रभु जी उन प्रभु जी लहू से प्रभु आज हम धो देना चाहते हैं परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु हम आपके चरण में आते हैं प्रभु, अपने आप को प्रभु जी समर्पित करते हैं खुदाबन पिता। हालेलुया। कोई भी ऐसी बात प्रभु हालेलुया हमें प्रभु जी पिछली जिंदगी की ओर ले जाना चाहे तो प्रभु आज हम उसे यहाँ छोड़ देते हैं पिता आपकी ओर। प्रभु हम हमारे जीवन को प्रभु समर्पित करते हैं प्रभु हालेलुया। प्रभु ये जो मेज प्रभु हमारे सामने सजा हुआ है पिता, इस मेज से भाग लेने से पहले प्रभु हम प्रभु जी अपने आप को पूर्ण तरीके से प्रभु जी 100% प्रभु हम आपके हाथ में प्रभु अपने जीवन को देते हैं, अपने हृदय को देते हैं प्रभु, हमारे सोच और विचार को देते हैं प्रभु। हम आपकी उस क्रूस की ओर प्रभु अपनी नजरों को लगाते हैं प्रभु हालेलुया। जो दर्द और जो तकलीफ आपने सहा प्रभु, उसे प्रभु जी हम याद करते हुए पिता हम आपके सम्मुख आकर कहते हैं प्रभु जी कि हमें क्षमा करना प्रभु। आपके प्रभु जी ये प्रभु जी शरीर से और आपके लहू से जब हम प्रभु जी एक हो रहे हैं तो पिता आप हमें प्रभु सामर्थ्य देना, शक्ति देना, बल देना कि प्रभु हम आपके साथ संगति में चलते रहें प्रभु हालेलुया। प्रभु धन्यवाद करते हैं आपने जो बलिदान दिया हमारे लिए प्रभु, आपने जो प्रभु जी हालेलुया लहू बहाया ताकि प्रभु हम प्रभु जी पापी होकर निष्पाप बने, प्रभु हम प्रभु जी पवित्र बने प्रभु हालेलुया, हम प्रभु जी हालेलुया आजाद बन सके प्रभु। धन्यवाद करते पिता आपके उस बलिदान के लिए पिता। प्रभु इस सभा को आपके हाथों में देते, इस मेज को आपके हाथों में समर्पण करते हैं। आप प्रभु जी हमें आशीषित करना, आपके पवित्रता में हमें चलाना। मान महिमा आदर गौरव प्रभु केवल आपको मिले, आपके पवित्र नाम से ये प्रार्थना हम मांगते हैं। आमीन आमीन। जिस रात को यीशु को पकड़वाया गया था, उस रात को यीशु ने रोटी लिया, उसे तोड़ा और कहा, ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए तोड़ा जा रहा है। हालेलुया। यीशु ने हालेलुया अपने आप को हमारे लिए दे दिया, अपने आप को उसने तोड़कर हमारे लिए दे दिया। उस रोटी के बाद हालेलुया उसने दाखरस लिया और कहा, ये मेरा लहू में नई वाचा है। यीशु के लहू का प्रतीक उस वादे को याद दिलाते हुए यीशु ने वो कटोरा हमारे लिए उठाया, हमारे पाप की सजा का कटोरा उसने उठाया और परमेश्वर के आशीषों का कटोरा उसने हमें दिया। इसे स्मरण करते हुए हम इसमें से भाग ले। हालेलुया। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। जब वो रोटी और दाखरस आपके हाथों में पहुंचे, मैं चाहता हूं कि यीशु के उस क्रूस को एक और बार याद करें। हालेलुया। कितना प्यार उसने हमसे किया, किस हद तक उसने हमसे प्यार किया और क्या कुछ उसने हमारे लिए सहन किया ताकि उसके मौत से हमें जिंदगी मिल सके। हालेलुया। क्यों ना कलीसिया उस क्रूस की ओर देखे और अपने मुंह से उसे धन्यवाद दे। हालेलुया। एज यू टेक दैट ब्लड, एज यू टेक दैट कप एंड एज यू टेक दैट ब्रेड इन योर हैंड्स, हालेलुया, यीशु ने अपने आप को हमारे लिए तोड़ दिया, हमारे सबसे बड़े डर के ऊपर उसने विजय दिलाने के लिए, परमेश्वर के दंड से, परमेश्वर के न्याय से हमें बचाने के लिए He took it upon himself. उसने अपने आप को तोड़ दिया। हालेलुया। उसने हमारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया, हमारे पापों की सजा उसने अपने ऊपर उठा ली ताकि हमें
फिर सजा भुगतना ना पड़े। हालेलुया, हमारे सजा को उसने अपने ऊपर उठा लिया। वो जो निष्कलंक था, वो जो निष्पाप था, वो जो धर्मी था, वो अधर्मियों के लिए मारा गया। हालेलुया, क्रूस पर हमारे लिए वो चढ़ाया गया। हम याद करते हैं खुदा, हम याद करते हैं आपके उस महान प्यार, हम याद करते हैं आपके उस प्रेम, आपके उस बलिदान, आपके उस दर्द को, आपके उस दुख को जो आपने हमारे लिए, ताकि हम कभी उस दुख को, उस दर्द से हमें होकर जाना ना पड़े, कि प्रभु हम हमेशा के लिए तेरे वायदे के वारसदार हो सके। उसने कहा मेरे लहू में ये नई वाचा है, दिस इज अ न्यू कवेनेंट मेड इन माई ब्लड। अपने लहू को बहाकर उसने हमसे एक वादा किया, अपने जान को बहाकर उसने कहा कि आई लव यू टिल दिस मच, मैं यहां तक तुमसे प्यार करता हूं। एंड द प्रॉमिस, मैं सिर्फ कहकर नहीं, मैं अपनी जान देकर तुझसे वादा करता हूं, ताकि तू अनंतता तक मुझ पर विश्वास कर सके, हर परिस्थिति में तू विश्वास कर सके, हर दर्द के सामने तू विश्वास कर सके कि मैं तुझसे सच्चा प्यार करता हूं। दैट आई लव यू रियली एंड आई लव यू एवरलास्टिंगली। आज कोई क्लेश, आज कोई कठिनाई, अगर आप किसी दर्द के सामने हो, ये कटोरा जब आपके हाथ में है, इट टेल्स यू दैट ही शेड हिज ब्लड टू प्रूव, उसने अपना लहू हमारे लिए बहा दिया, ताकि हमें ये यकीन दिला सके कि किस हद तक वो हमसे प्यार करता है। सिर्फ बोलकर नहीं, कि सिर्फ शब्दों से उसने प्यार नहीं किया, ही गेव हिमसेल्फ, हालेलुया, हमारे गुनाहों को अपने ऊपर उठा लिया और अपने लहू को बहाकर उसने हमसे वादा किया, उस अपने लहू को बहाकर उसने हमसे वादा किया। हालेलुया, आमेन। जब हम सब हालेलुया इस रोटी को लेकर खड़े हैं, आए हम प्रभु को धन्यवाद दें उसके शरीर के लिए, हालेलुया, जो हमारे लिए तोड़ा गया था। जिस रात को यीशु को पकड़वाया गया था, उसने रोटी लिया, तोड़ा और उसने अपने शिष्यों को दिया और कहा कि मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए दिया गया है, मेरे स्मरण में यही किया करना। आए हम इस रोटी यीशु को याद करते हुए, यीशु को धन्यवाद देते हुए, उस परमेश्वर के मेमने के लिए धन्यवाद देते हुए, उसके प्रेम के लिए धन्यवाद देते हुए, आए हम इस रोटी में से भाग लें। आमेन। उस रोटी के बाद उसने कटोरा उठाया और कहा ये मेरे लहू में नई वाचा है, आई मेक अ प्रॉमिस विथ यू इन माई ब्लड, अ न्यू कवेनेंट आई मेक यू मेक विथ यू इन माई ब्लड। अपने लहू से वाचा उसने बांधा। आमेन। हमारे हर दर्द, हमारे हर परेशानी, हमारे हर सवालों का जवाब यीशु के प्रेम में है। आज ये लहू, आज ये कटोरा हमें याद दिला रहा है, ही इज विथ अस, आपके साथ है, आपके दर्द में है, आपके मुश्किल में है, आपके परेशानी में है, आपके हार में, आपकी लाचारी में, आपके दुखों में, वो आपके साथ। देखो उसे जो कहता है, ये दर्द हमें कौन कहता है, एक दिन उसके मेरा पाप सारी तिरस्कारी दुष्टों के साथ से था मेरा पाप, जब तक हंसी सारे क्लेश तेरे, सारे मुसीबतें तेरी, आंसुएं तेरे, सारे सवाल मुझे दे सांस, मैं जानूंगा तू आ समां, हम मेरा कुछ भी नहीं, पॉसिबल या बुद्धि में वो नहीं समझ रहे हैं, समझ
दिन के लिए प्रभु, आपके वचनों के लिए, इस मेज के लिए। इस मेज में प्रभु अभी रोटी और दाखरस बाकी है, जो हमें दिखाता है कि हमारे बहुत सारे प्रियजन हैं जिन्हें इसमें लेना बाकी है। हमें ताकत देना प्रभु कि आपके प्यार को हम उन्हें दिखाएं, आपके प्यार को हम उन तक ले जाएं, और वो तेरे इस प्यार को समझ सके और इसमें से भाग ले सके, तेरे मेज से वो खा सके। पवित्र आत्मा हमारी मदद करना कि जिस प्यार से आपने हमसे प्यार किया, हम दूसरों को प्यार कर सके। हेल्प अस होली स्पिरिट। आदर महिमा और जलाल आपको मिले प्रभु, जिन्होंने इसमें से भाग लिया, उन सबके ऊपर तेरी आशीषों को हम बोलते हैं। तुझ में हम दृढ़ बने रहे, ऐसा होने देना। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबों को आशीषित करे। प्लीज हेल्प मी विद दिस, आमेन। हालेलुया, आमेन। हालेलुया। कैन यू गिव मी ए ए ए ए। देखो क्रूस पर प्रेम की सजा, इन हाथों पर नाम मेरा लिखा। देखो क्रूस पर प्रेम की सजा, इन हाथों पर नाम मेरा लिखा। मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, देकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, देकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। चिल्ला कर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा, मुझे प्रेम ने है पाया। ओ मेरा अतीत बीत गया, तुझको अजी मिल गया, सब कुछ हो गया है नया। सबको ये सुनाऊंगा, मुझे प्रेम ने है पाया। मेरा अतीत बीत गया, मुझको से मिल गया, कुछ हो गया है नया। देखो क्रूस पर प्रेम इन हाथों पर नाम मेरा लिखा। देखो क्रूस पर प्रेम की सजा, इन हाथों पर नाम मेरा लिखा। मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, देकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। ओ मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, देकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। तो मैं चिल्ला कर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा, कुछ हो गया है नया। महिमा में मैं निश्चित गाऊंगा, यीशु के संग में हर दम रहूंगा। महिमा में मैं निश्चित जाऊंगा, यीशु के संग हर दम रहूंगा। मुझसे प्रेम यीशु ने किया है,
प्राण प्रभु फिर से जी उठा है मुझसे प्रेम यीशु ने किया है देखकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है मिलकर तो मैं चिल्ला कर गाऊंगा सबको ये सुनाऊंगा मुझे प्रेम ने है पाया मेरा अतीत बीत गया मुझको अजीत मिल गया सब कुछ हो गया है नया सब कुछ हो गया है नया हाय प्रभु के लिए ताली बजाए धन्यवाद दें हालेलुया लेट्स थैंक हिम Let's thank him, hallelujah. महिमा में हम हालेलुया निश्चित जाएंगे यीशु के संग रहेंगे हालेलुया और हर दम हम उसके साथ रहेंगे amen. What a great hope, what a glorious hope, hallelujah, that Jesus gives us, the cross gives us, hallelujah. And बैठ जाए अपने जगह पर Jennifer will come and she will give the announcements for this week, hallelujah, amen. जय मसीह की सभी को आशा करती हूँ पिछला हफ्ता आप सभी लोगों का अच्छा बीता होगा श्रेया और उसकी मम्मी का हम फिर से एक और बार ग्रेस की कलीसिया में आपका स्वागत करते हैं आइए अनाउंसमेंट्स देखते हैं डेली मॉर्निंग डिवोशन जो कि एवरी मंडे टू सैटरडे होता है सुबह 6 बजे जूम पे आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप ज़रूर सुबह 6 बजे जूम को ज्वाइन करें हर गुरुवार को ग्रेस किड्स होता है जिसमें ग्रेस के सारे बच्चे जुड़ते हैं और बाइबल में से बहुत सारी चीज़ें उन्हें सिखाई जाती है तो सभी माता पिताओं से निवेदन है कि आप देखें कि आपके बच्चे सही समय जुड़ रहे कि नहीं हर गुरुवार को 6:15 जूम पे हर शुक्रवार को 8:30 यूट्यूब पे प्रेमियर होता है एको सत्य की लहर जो कि पास्टर गिरीश लालवानी और पास्टर कैनेथ लेते हैं आप सभी लोगों से निवेदन है कि जितना हो सके उस लिंक को देखें और शेयर करें जितने भी लोगों के साथ आप शेयर कर सकते हैं उन सभी के साथ उस लिंक को बांटें इंटरसेसरी प्रेयर एवरी सैटरडे होता है सुबह 9:30 तो जितने भी लोगों की सैटरडे को जॉब से छुट्टी होती है सुबह आप ज़रूर यहाँ ग्रेस नॉर्थ में आके इंटरसेसरी प्रेयर का भाग बन सकते हैं अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ब्रदर रतन से कांटेक्ट कर सकते हैं और ज़रूर जुड़े इस प्रार्थना में एवरी सैटरडे 11:00 ऑनलाइन होता है विमेंस मीटिंग महिलाओं की सभा जो कि जूम पे होती है ऑनलाइन होती है जिस दिन ऑफलाइन होता है उसमें वो लोग डिस्कस कर लेते हैं तो सभी महिलाओं से निवेदन है कि आप ज़रूर हर शनिवार को 11:00 जूम मीटिंग ज़रूर ज्वाइन करें यूथ बाइबल स्टडी होता है सैटरडे को यहाँ ग्रेस नॉर्थ में शाम को जिसकी सारी डिटेल्स ब्रदर आकाश नारा बांटते हैं ग्रुप में तो जितने भी टीन्स एंड यूथ से आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप ज़रूर सैटरडे को शाम को यहाँ यूथ बाइबल स्टडी के लिए जुड़े जैसा कि पिछले हफ्ते भी मैंने अनाउंस किया था VBS जो कि है वेकेशन बाइबल स्टडी कैस्ट्रोनॉमिकल थीम है एज ग्रुप है 3-14 तो अगर आपके बच्चे इस एज ग्रुप में आते हैं तो सभी माता पिताओं से निवेदन है कि आप उनका जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करा दीजिए June 1st, 2nd, 3rd को होने वाला है ग्रेस एयरपोर्ट का जो कैंपस है पास्टरल कैंपस जो सेंट जेवियर्स हाई स्कूल है इंदिरा ब्रिज वाला वहाँ पे होता है तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि आपके बच्चों को आप ज़रूर टाइम से वहाँ ड्रॉप कर दीजिएगा हमें वॉलंटियर्स भी चाहिए तो अगर आप इस एज कैटेगरी में नहीं आते लेकिन स्टिल आपको मज़े करने हैं और आप फ्री हो और आपको सीखना है और सिखाना है तो आप ज़रूर इसमें भाग ले सकते हैं ब्रदर ब्लेसिंग जोसेफ उनका कॉन्टैक्ट नीचे है आप ज़रूर उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं वो आपको अच्छी तरह से गाइड कर देंगे म्यूज़िक क्लासेस आप गिटार और कीबोर्ड ऑनलाइन ऑफलाइन और होम घर पे बैठे बैठे सीख सकते हैं ब्रदर सिमोन गामित लेते हैं तो आप ज़रूर उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं जितने भी आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके लिए जन्मदिन और शादी की सालगिरह इस हफ्ते नहीं है तो आप सभी जो भी मैंने अनाउंस किया उन सभी को अपनी प्रार्थनाओं में याद रखिएगा स्पेशली जो बच्चों का इवेंट होने वाला है June 1st, 2nd, 3rd को ज़रूर आप प्रार्थना में याद रखिएगा पिछले दिनों जो प्रेयर रिक्वेस्ट आई थी ग्रेस
ग्रेस से ब्रदर रिचर्ड के लिए स्पेशली, जिनका वेंसडे को एक्सीडेंट हो गया था, रिचर्ड परमार, जिन जो पहले आईकॉम की बुक्स जो हमें आप भेजते थे, आप सब जानते हैं उन्हें, उनका एक्सीडेंट हो गया पिछले दिनों, माइनर फ्रैक्चर भी हुआ है, लाइक क्रैक आ गया है. तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप उनको अपनी प्रार्थनाओं में ज़रूर याद रखिएगा, और जितनी भी प्रेयर रिक्वेस्ट ग्रुप में आती है, आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप ज़रूर अपनी प्रार्थनाओं में उन्हें याद रखिएगा, और जितनी भी चीज़ें अनाउंस किए उनको भी अपनी प्रार्थनाओं में याद रखिएगा, जो मैंने नहीं बोला उन सबको भी अपनी प्रार्थनाओं में याद रखिएगा, और प्रभु आप सभी लोगों को आशीषित करे. गॉड ब्लेस यू. आइए प्रार्थना की ओर जाएं. धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से फिर से हम आपकी उपस्थिति में आ गए हैं. पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं कि शुरुआत से ही आज पिता परमेश्वर आपने हमारे दिलों से बात किया. पिता परमेश्वर हमें तैयार किया आपकी महिमा के लिए, हर पल आपने हमें खड़ा रखा है प्रभु जी, और आने वाले दिनों में भी पिता परमेश्वर आपकी महिमा के लिए आप हमें तैयार कर रहे हैं, इसके धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर. हालेलुया. आपका वचन हमने देखा जिसे गलाती 2:20 से जब स्टार्ट हुआ, पिता परमेश्वर जो हमने देखा पौलुस जहाँ पर कहते हैं क्रूस पर चढ़ा दिया गया हूँ, हालेलुया, ऐसा सौभाग्य आपने हमें भी दिया पिता परमेश्वर. हमने अपने पुराने शरीर को उस पर चढ़ा दिया है, हालेलुया, हम नई सृष्टि बन चुके हैं पिता परमेश्वर. आज वचन के द्वारा हमने सीखा प्रभु, आपके दास के द्वारा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपने हमसे बात किया प्रभु जी, आपने हमें नया जीवन दिया है प्रभु जी, अनंत जीवन का आपने वायदा किया है, आपने अपने वचन से, अपने शरीर से, अपने लहू से आपने हमसे वाचा बांधा है, उसके धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर. हालेलुया, एक अद्भुत गहराई से प्रभु जी आज आप हमें लेके गए परमेश्वर, आने वाले दिनों में अपने दास को प्रभु और भी अद्भुत तरीके से आप इस्तेमाल करना, ताकि हम आपके वचन की गहराई में और भी जा सकें और वैसा जीवन बिता सकें पिता परमेश्वर. धन्यवाद करते हैं प्रभु, हालेलुया, जो भी आपकी स्तुति के लिए, आपके आराधना के लिए प्रभु जी, हालेलुया, जो गीत हम गा पाए पिता परमेश्वर, आपकी पवित्र आत्मा की उपस्थिति जो यहाँ थी प्रभु, उस सब के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर. जो लोग आ पाए यहाँ पर आज प्रभु जी, और जो नहीं आ पाए उन सबको भी प्रभु आपने आशीषित किया उस वचनों से, उसके धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर. प्रभु भोज के लिए भी धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमें अपना हिस्सा बनाया उसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर. हालेलुया, इस दशांश को भी प्रभु जी हम आपके हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, जिन हाथों ने बढ़ाया और जो नहीं बढ़ा पाए इन सबको प्रभु जी आपने आशीषित किया है, और आने वाले दिनों में भी आशीषित करना, अपना स्वर्गीय भंडार खोल कर हिला हिला कर दबा कर अपने लिए, खुद के लिए नहीं प्रभु, लेकिन आपके राज्य के लिए प्रभु जी खर्च करने के लिए तैयार करना पिता परमेश्वर. धन्यवाद करते हैं प्रभु, शुरू से अंत प्रभु सब बातों को आपके हाथ में समर्पित कर देते हैं, सारी बातों को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन लीजिए पिता, आमीन. पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमेशा 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 हमारे साथ रहे, आमीन. Thank you, everybody. Announcements, bolna mat. And God bless you.